सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रात गेमिंग। हाँ जी, स्पोर्ट्स T20 स्क्रीम्स तो बिल्कुल वीक 3 की हम बात करें तो Day 7 का पहला मैच अभी के लिए शुरू हो चुका है। सीधा हम प्लेन पाथ की तरफ यहाँ पे चलेंगे, सिवर्नी की तरफ से हमारा प्लेन यहाँ पे स्टार्ट होगा। रोजो के यहाँ पे बिल्कुल साथ में देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें पोचिंग की, स्कूल फेरी पायर और प्रीमोजक की तरफ से यहाँ पे एंड होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। आज तो टाइम पे स्टार्ट होगा भाई, क्योंकि हम 1 मिनट लेट हुए। वही वैसा सीन नहीं है, कोई टाइम पे ही रोज़ ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल टीम्स की हम बात करें यहाँ पे टॉक्सिक की स्पोर्ट्स से देखने को, टीम्स से आई गेस बिल्कुल 3-4 टीम्स इस मैच में हमारे साथ नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे टॉक्सिक रहने वाली, S2K रहने वाली, साथ में टीम टर्न अप द हीट, S7S यहाँ पे रिवेंज स्पिरिट, 4 फूल्स यहाँ पे 3 मैन स्क्वाड के साथ, 7DS यहाँ पे 3 मैन स्क्वाड के साथ। साथ में अगर RTF की हम बात करें तो RTF भी यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ, MFA का पूरा स्क्वाड, न्यू का यहाँ पे FES का पूरा स्क्वाड के साथ में। अगर लेगोडिकॉइस की बात करें 3 मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे ये लोग रहेंगे। IB की बात करते हैं फुल मैन स्क्वाड के साथ में। अगर 1 Empire की बात करें इनका भी पूरा स्क्वाड, स्कैरेड भी यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ जरूर रहेगी। टॉक्सिक की हम बात कर रहे थे, ये लोग बिल्कुल यहाँ पे वाटर सिटी की तरफ जरूर आ पहुंचे। TXC पैक्टर यहाँ पे, मनी हीस्ट, TXC हेवन, साथ में IGL। वाटर सिटी की अगर हम बात करें हल्का सा IGL ग्लाइड करके सामने की तरफ यहाँ से जरूर जाते हुए नजर आएंगे। बाकी कोई टीम इस पार्ट पर नहीं रहने वाली, तो ईजिली टीम यहाँ से लूट करती हुई हमें नजर आएगी। साथ में S2K की तरफ एक बार चलेंगे तो यहाँ पे हेलिक्स, S2K कॉफिन जॉर्ड, S2K IML फीनिक्स के साथ यहाँ पर रहेंगे फुल मैन स्क्वाड के साथ। टीम यहाँ पे पोचिकी की तरफ जरूर आप मुझे पहुंचेगी कि अगर हम बात करें तो इस पार्ट में बिल्कुल 2 टीम्स और रहेंगी। 7DS यहाँ पर रहेगी आर्कस विदाउट एनी लूट अभी तक, H2SO4 यहाँ पे KKM के साथ में। अगर साहिल की बात करें तो जेद फर्दविन, 1 Empire की टीम भी बिल्कुल पोचेंगी की तरफ यहाँ पे जरूर आप पहुंचिए। तो एक बार ओस्लो की तरफ हम चलेंगे टर्न ऑफ द हीट ग्राउंड में, यहाँ पे इनके साथ भी कोई टीम हमें देखने को नहीं मिल रही। ओस्लो यहाँ पे नॉट फजर यहाँ पे जरूर इनके साथ रहेंगे। साथ में अगर फीनिक्स की बात करें तो फीनिक्स भी यहाँ पे इनके साथ हमें देखने को मिलेंगे, तो इनके ग्राउंड में भी कोई टीम हमें देखने को नहीं मिल रही। सीधा अगर सर्कल की बात करें तो पहला सर्कल हमारा कट चुका है, यहाँ पे रोजो प्लीज उनके अंदर आता हुआ, मिलिट्री बेस यहाँ पे प्लीज उनके अंदर, गेकार यहाँ पे, साथ में पोचिंग की बिल्कुल प्लीज उनके अंदर, शेल्टर मिल्टा फार्म, तो ये सारे एरियाज प्लीज उनके अंदर हमें देखने को मिलते हुए। बाकी की टीम इस मैच में हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई। साथ में अगर हम बात करें पॉइंट ब्लैंक भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी इस मैच में। 7S फैसल यहाँ पे, 7 रिवेंज स्पोर्ट्स की टीम यहाँ पे रहने वाली, रिवेंज कैप्टन 7S फैसल, मोमेंट साथ में, बैड बॉय यहाँ पे, तो मोस्टली टीम से अलग अलग स्पॉट्स पे बिल्कुल सेफ स्पॉट्स पे हमें देखने को मिल रही है। अगर 4 फुल्स की बात करें तो 4 फुल्स के सामने 7S फैसल यहाँ पे जरूर ग्राउंड में हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर 7DS की बात करें तो 7DS अभी भी पोचिंकी की तरफ है। अगर RTF की तरफ एक बार चलेंगे तो RTF लोगन ड्रैगन यहाँ पे बीस्ट, RTF का पूरा स्क्वाड यहाँ पे इस मैच में रहेगा। साथ में एक बार चलते हैं MFAKE की तरफ, तो MFAKE फुल मैन स्क्वाड के साथ ऑर्डर, MFAKE लिविंगम, MFAKE श्राउड के साथ यहाँ पे जुड़े हुए इस मैच में। FES की वहीं बात करें तो FES भी फुल मैन स्क्वाड के साथ रहने वाली, वाजिद उमर शुएब साथ में, तालिब यहाँ पे रहेंगे। अगर IB की बात करें, आइस ब्रेकर्स की टीम बिल्कुल मिलिट्री बेस की तरफ ही हमें देखने को मिल सकती है, बिल्कुल मिलिट्री बेस के एरिया को होल्ड करती हुई यहाँ पे IB नजर आएगी। साथ में अगर रॉनिन सिजार की बात करें, DW फर्दिंग यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, FFCRS यहाँ पे इनके साथ, 3 मैन स्क्वाड के साथ ये टीम भी देखने को मिलेगी। स्कैरेट की बात करें तो ऑक्सी यहाँ पे, आयुष, SD आयरोर, SD डेवल यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ, टीम लिपोका की तरफ आउट ऑफ सर्कल यहाँ पे रहेगी, तो इन लोगों को भी निकल के प्लेस जोन के अंदर जाना पड़ेगा। 13 टीम्स और टोटल 49 प्लेयर्स अभी के लिए हमारे साथ इस मैच में जुड़े हुए। 3 मिनट हमारे मैच हो चुके हैं, 3 मिनट के बाद यहाँ पे ब्लू जोन भी श्रृंखल होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंजी हमारे साथ जुड़े हुए स्ट्रीम पे जो लोग अभी के लिए जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो पोचिंग की इधर बिल्कुल 3 टीम्स यहाँ पे रहने वाली, अब देखना पड़ेगा, कोई भी हमें फाइट में एंगेजमेंट अभी तक देखने को नहीं मिली। S2K यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ रहने, बिल्कुल वहाँ पे अगर 4F की बात करें, एक नॉकआउट जरूर डील करती हुई नजर आएगी। विस्की को यहाँ पे डाउन किया जाएगा सामने। अगर विस्की की बात करें तो इस स्पॉट पे बिल्कुल यहाँ पे पेन के साथ यहाँ पे विस्की को कन्फर्म कर दिया जाएगा। बैड बाय YT एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे इनिशियली जरूर स्क्योर करते हुए नजर आएंगे। रिवेंज स्पोर्ट्स की टीम यहां पर रहने वाली, एक फिनिश पॉइंट निकाला, तो 4F अब यहां पे इस मैच में 2 मैन स्क्वाड के साथ रहेगी। स्काई यहां पे हंटर के साथ रहेंगे, एक बगी लेके इस स्पॉट से जरूर निकल के जाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, सामने अगर फेरी पायर एरिया की बात करें तो यहाँ पे R2F होल्ड करते हुए नजर आएगी। अभी के लिए निकल चुके हैं, आई गेस ये लोग भी अर्ली रोटेशन जरूर देना चाहेंगे। सर्कल के एंड सेंटर को यहाँ पे जरूर ये लोग होल्ड करना चाहेंगे, अभी के लिए बिल्कुल सर्कल के अंदर जरूर रहेंगे। वहीं अगर प्रीमोजक की बात करें तो प्रीमोजक की तरफ यहाँ पे MFAKE की टीम जरूर देखने को मिलेगी। MFAKE श्राउड एक ही जगह पे पिछले 10 मिनट से हमें होल्ड करते हुए नजर आ रहे, साथ में लिविंग गम अभी के लिए बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट इनकी देखने को मिल रही। ऑर्डर यहाँ पे एक कूप RB लेके स्पॉट से निकल के जाते हुए जरूर नजर आएंगे। 13 टीम्स से टोटल 48 प्लेयर्स यहां पे हमारे लाइव रहने वाले।
बिल्कुल टॉक्सिक ई स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई जी एल हीस्ट यहाँ पे टॉक्सिक फैक्टर के साथ फुलमैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे टॉक्सिक अभी के लिए आई जी एल हल्का सा अपनी टीम से ज़रूर अलग रहने वाले, अब देखना पड़ेगा। तो सीधा हम चलेंगे पोचिंग की तरफ, पोचिंग की में जो ये तीन टीम्स हमारी रहने वाली एस टू के, यहाँ पे बिल्कुल अभी के लिए शॉर्ट्स हल्के से ज़रूर ट्रेड किए जाएंगे एस टू के। और सामने अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन एम्पायर के बीच में साहिल यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, जैद फदविन साथ में हंटर और यहाँ पे दानु भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट्स से दोनों साइड से ज़रूर थोड़े थोड़े से दिए गए थे लेकिन प्रॉपर इंगेजमेंट अभी तक हमें इस स्पॉट पे देखने को नहीं मिली। 70 भी बिल्कुल दो टीम्स के बीच में यहाँ पे रहने वाली, प्रॉब्ली इस स्पॉट से ये लोग निकल के जरूर जाते हुए नजर। वहाँ पे आरडीएफ की बात करें तो फोर एफ हंटर को भी अभी के लिए डाउन किया जाएगा, एक और नॉकआउट यहाँ पे फोर एफ हंटर डील करेगी। साथ में ऑर्कस की बात करें एक नेड के साथ सामने एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, फिनिक्स को यहाँ पे डाउन करेंगे तो सामने ड्रैगन यहाँ पे डैमेज जरूर डील करते हुए नजर आएंगे। टॉप की तरफ यहाँ पे आरडीएफ बीस्ट भी जरूर हमें देखने को मिलेंगे, हंटर यहाँ पे डाउन रहने वाले। यहाँ पे अब देखना पड़ेगा एक मोलोटोव सामने की तरफ आएगा लेकिन स्काई इजीली वहां पे लेफ्ट की तरफ से पिक किए जा सकते हैं। लॉर्ड की तरफ से लॉर्ड यहां पे डैमेज हल्का सा डील करेंगे, अभी के लॉर्ड पे यहां से शॉट दिए जाएंगे, बिल्कुल यहां पे लॉर्ड प्रूविंग करेंगे, लॉर्ड को यहां पे डाउन किया जाएगा स्काई की तरफ से, एक नॉकआउट यहां पे स्काई निकालेंगे। हल्का सा अगर पीछे की तरफ हम चलते हैं अब देखना पड़ेगा लोगों ने यहां पे क्लोज इन किए जा रहे, लॉर्ड यहां पे डाउन रहने वाले, ड्रैगन की तरफ से एक मोलोटोव तो जरूर यहां पे गया था, अभी स्काई बिल्कुल स्लाइडली सामने की तरफ क्लोजिंग करेंगे, यहां पे डैमेज डील करेंगे बिल्कुल डॉट एचपी पे। स्काई बचे हुए एक और नॉकआउट यहां पे निकाल लेकिन बैक साइड यहां पे आरटूएफ की तरफ से यहां पे इन्हें कंफर्म कर दिया जाएगा। आरटूएफ के जो लोगन थे बिल्कुल पीछे से यहां पे क्लोज इन करेंगे, कंफर्म करेंगे, दो नॉकआउट यहां पे इस स्पॉट पे जरूर डील किए थे टीम फोर फूल्स ने लेकिन अभी के लिए फोर फूल्स यहां पे कंफर्म होकर जाते हुए। साथ में अगर हम बात करें तो अभी भी रिवेंज की टीम इसी स्पॉट की बिल्कुल क्लोज जरूर रहने वाली, अब यहां पे देखना पड़ेगा ये लोग क्या यहां पे क्लोज इन करने के लिए जाएंगे या नहीं। राहिद खान, राहिद भाई हमारे साथ जुड़े हुए स्ट्रीम पे, टर्न ऑफ द हीट यहां पे इनकी टीम रहने वाली, तो एक बार टर्न ऑफ द हीट की तरफ चलेंगे। यहां पे दानों की बात करें 70s ऑर्कस पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा, पोचिंग की जो फाइट है बिल्कुल अब यहां से शुरू होती हुई नजर आएगी। दानों ने एक नॉकआउट यहां पे निकाला, सामने अगर S2K की बात करें हेलिक्स यहां पे H2SO4 को पूरा कंफर्म करेंगे टू मैन स्क्वाड के साथ, अब यहां पे 70s इस स्क्वाड के हल्के से शॉट यहां पे गैंगस्टर, ये गैंगस्टर की अगर हम बात करें डैमेज यहां पे दिया जाएगा बिल्कुल यहां पे प्री फायर की आड़ में, सामने की तरफ क्लोज इन करेंगे, दानों को यहां पे डाउन करेंगे। वहीं अगर ऑर्कस की बात करें, ऑर्कस का देखना पड़ेगा सामने बिल्कुल यहां पे S2K भी रहेगी, यहां पे गैंगस्टर डाउन किए जाएंगे लेकिन ऑर्कस की अगर हम बात करें तो एक नॉकआउट यहां पे S2K कॉफिन जॉर्ड पे भी जरूर निकाला जाएगा। गैंगस्टर का देखना पड़ेगा रिवाइवल क्या यहां पे मिल सकता है दोनों साइड, यहां पे वन एम्पायर भी एक नॉकआउट जरूर डील कर चुके। साथ में अगर S2K की बात करें तो एक नॉकआउट यहां पे इन पे भी हमें देखने को मिला। IML बिल्कुल अपनी टीम की तरफ यहां पे एक क्लोज इन जरूर किए जा रहे, एक मोलोटोव बिल्कुल टॉप की तरफ ऑर्कस पे जाएगा, डैमेज यहां पे दिया जाएगा कंफर्म, यहां पे फिनिक्स की तरफ से किया जाएगा। तो 70s इस मैच में अर्ली एग्जिट जरूर लेती हुई, यहां पे अगर दानों की बात करें दानों पे रिवाइवल मिल चुका लेकिन अभी भी एक टीम यहां पे स्पॉट पर। अगर हेलिक्स की बात करें तो हेलिक्स भी बिल्कुल अपने टीममेट कॉफिन जॉर्ड की तरफ क्लोज इन कर चुके हैं, तो यहां पे कॉफिन पे भी एक रिवाइवल इनकी तरफ से जरूर दिया जा रहा। अच्छा सर्कल की बात कर रहे थे तो बिल्कुल अब हमारा ब्लूज यहाँ पे श्रृंखला होना शुरू हो चुका है। सेंटर की तरफ बिल्कुल काफ़ी टीम ज़्यादा देखने को मिल रही, स्कूल के एरिया की तरफ यहाँ पे टीम रहेंगी। हल्का सा अगर पीछे की तरफ चलते हैं तो टॉक्सिक स्पोर्ट्स जो बिल्कुल लैंड किया था वाटर सिटी की तरफ लेकिन उस स्पॉट से निकल के सर्कल के सेंटर को यहाँ पे होल्ड करती हुई जरूर नजर आएगी। यहाँ पे बिल्कुल बाकी टीममेट्स भी अभी के लिए इनको क्लोज इन जरूर करते हुए नजर आएंगे। सामने डाउन की तरफ पहुंचेंगे कि मैं अभी भी दो टीम से यहाँ पे जरूर रहने वाली। अच्छा बिल्कुल हैकर बाय ओस्लो की तरफ हम चल रहे थे तो एक बार नॉट फजर NW फिनिक्स यहाँ पे ये टीम रोज़ की तरह हमें यसनाया की तरफ देखने को मिलती है तो बिल्कुल इस स्पॉट पे इनके सामने अभी के लिए आज के इस मैच में कोई टीम नहीं रहेगी तो इजीली यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर हम बात करें वहाँ पे दानों की तरफ से S2K पे एक नॉकआउट जरूर निकाल दिया, कॉफिन जॉर्ड इस मैच में दूसरी बार डाउन किए जाएंगे, दानों की तरफ एक बार चलेंगे। अब देखना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पे क्लोज इन करती हुई टीम वन एम्पायर की जरूर नजर आ सकती है। फिनिक्स की बात करें फिनिक्स बिल्कुल यहाँ पे प्रोन के सामने बिल्कुल ईजिली पिक कर सकते हैं, यहाँ पे जैद को यहां पे डाउन कर सकते हैं बिल्कुल, जैद पे यहां पे शॉट दिए जाएंगे, फिनिक्स की तरफ से यहां पे जैद को डाउन जरूर किया जाएगा लेकिन टाइमली वहां पे जैद कवर में जरूर जाते हुए नजर आएंगे। दोनों साइड एक बार फिर से एक एक नॉकआउट हमें देखने को मिलता है। S2K कॉफिन जॉट यहां पे डाउन पड़े, रिवाइवल की अगर बात करें तो अभी तक यहां पे रिवाइवल के लिए कोई नहीं गया। वहीं अगर हंटर की बात करें तो हंटर यहां पे साइड भी क्लोजिंग करते नजर आएंगे। साहिल की बात करें हेलिक्स को भी यहां पे डाउन जरूर किया जाएगा, हेलिक्स को यहां पे कंफर्म कर दिया जाएगा, तो एक कैजुअलिटी इस फाइट में यहां पे टीम जरूर डील करती हुई नजर आएगी S2K।
अच्छा बिल्कुल कॉफिन भी यहाँ पे डाउन रहने वाले। फिनिक्स की अगर हम बात करें तो फिनिक्स बिल्कुल यहाँ पे इनकी हेल्थ भी काफ़ी डाउन, 10 बैंडेज यहाँ पे जमीन के पास होंगे, शायद यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे। एक और नॉकआउट यहाँ पे इनकी तरफ से निकाला जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर दिया जाएगा। तो दूसरा फिनिश पॉइंट यहाँ पे वन एम्पायर लेती हुई साहिल यहाँ पे 2 फिनिश लेंगे। साथ में S2K की बात करें तो अभी भी 2 मैन स्क्वाड के साथ इसी स्पॉट पे हमें देखने को मिलती हुई 41 पेयर अभी भी यहाँ पे सामने। अगर XT की बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्स को बिल्कुल स्पॉट किया जाएगा, यहाँ पे कॉफिन जॉट डाउन किए जाएंगे एक बार फिर से। कॉफिन जॉट पे रिवाइवल यहाँ पे मिला था IML की तरफ से, लेकिन यहाँ पे दूसरी तीसरी बार यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल टीम एक स्लैमन करते हुए नजर आएगी, जैद का देखना पड़ेगा अभी तो यहाँ पे क्लोजिंग किया जाएगा। IML यहाँ पे अकेले बचे, शॉट यहाँ पे IML देंगे, एक नॉकआउट यहाँ पे निकाला तो जरूर गया था, बिल्कुल 2 नॉकआउट यहाँ पे IML की तरफ से निकाले गए थे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे कन्फर्म कर दिए जाएंगे। तो 1 एम्पायर यहाँ पे इस फाइट को जरूर निकालती हुई। तो MFA की तरफ चलते हैं, वहाँ पे R2F पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा। 7S फैसले यहाँ पे R2F लॉर्ड को यहाँ पे डाउन करेंगे। MFA बिल्कुल अभी के लिए सर्कल के यहाँ पे जरूर अंदर रहने वाली, लेकिन अब माफ कीजिएगा बाहर रहने वाली, तो इन लोगों को यहाँ से निकल के प्लेजोन के अंदर भी जरूर जाना पड़ेगा। लिविंगम ऑर्डर फैजान यहाँ पे इनके साथ जरूर होंगे। वहीं अगर रिवेंज की बात करें तो फैसले यहाँ पे एक नॉकआउट जरूर निकालते, सामने R2F बिल्कुल फुल मैन स्क्वाड के साथ इनके देखने को मिलती हुई। लॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्ली कन्फर्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि ओपन एरिया में यहाँ पे ये डाउन पड़े हुए नजर आते, बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड कन्फर्म होते हुए। अब यहाँ पे 3 मैन स्क्वाड के साथ R2F देखने को मिलेगी। स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। रिवेंज की अगर हम बात करें बिल्कुल दोनों टीम से यहाँ पे थ्रूबल्स का यूज किया जाएगा। सामने अगर बैड बॉय YT की बात करें, R2F ड्रैगन को भी अब यहाँ से डाउन करेंगे, तो यहाँ पे एक कैजुअलिटी टीम डील कर चुकी है, साथ में एक नॉकआउट भी हमें ड्रैगन पे देखने को मिला। 2 मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे टीम रहने वाली, M16 के साथ यहाँ पे 20 रहेंगे, प्रॉब्ली हल्का सा फॉल बैक जरूर करना चाहेंगे। साथ में अगर लोगन की बात करें, लोगन बिल्कुल इसी स्पॉट को होल्ड करते हुए नजरेंगे। बैड बॉय हल्का सा अगर ओपन में यहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल सामने एक नेड यहाँ पे जरूर किया जाएगा। अभी तक लोगन यहाँ पे एक्सपोज नहीं रहने वाले, डैमेज यहाँ पे बैड बॉय पे दिया जाएगा। लोगन की बात करें यहाँ पे बैड बॉय की तरफ से लोगन को भी यहाँ से डाउन किया जाएगा, कन्फर्म यहाँ पे किया जाएगा। 20 अब यहाँ पे अपनी टीम से अकेले बचे बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पे स्पॉट से जरूर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी के लिए बैड बॉय की बात करें तो यहाँ पे 20 अकेले बचे हुए नजर आएंगे। बिल्कुल फिनिश पॉइंट यहाँ पे नंबर 4 सिक्योर किया जाएगा। सामने अगर 20 की बात करें, 20 बिल्कुल यहाँ पे .HB पे बचे हुए नजर आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट एड किट इनके पास जरूर रहने वाली, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि पूरी टीम यहाँ पे इसी स्पॉट की तरफ एक पुश जरूर देती हुई नजर आएगी। 1v4 का सिनेरियो यहाँ पे 20 के पास एक स्मोक यहाँ पे इनकी तरफ से जरूर किया जाएगा। देखना पड़ेगा स्मोक की आड़ में क्या यहाँ पे इस स्पॉट से ये निकल के जा पाते हैं। लेकिन राइट की तरफ से एक्सट्रीम राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मूमिन बिल्कुल अपनी टीम से काफी पीछे रहेंगे। 20 पे यहाँ पे बिल्कुल शॉट से जरूर दिए जा रहे, हल्का सा बिल्कुल बैड बॉय की अगर हम बात करें, बैड बॉय हल्का सा ओपन में हाथ आएंगे, एक नॉकआउट यहाँ पे बैड बॉय पे निकाला। सामने की अगर हम बात करें बिल्कुल बैड बॉय को यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा 20 की तरफ से। यहाँ पे फैसल भी इनके सामने प्रोन इन किए हुए, तो फैसल को भी इजिली टेक डाउन ये कर सकते हैं। एक और स्मोक यहाँ पे इनकी तरफ से किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे R2F 20 कंफर्म कर दिए जाएंगे 7S फैसल की तरफ से। R2F यहाँ पे पूरा कंफर्म होकर जाती हुई। रिवेंज की बात करें तो ये कैजुअलिटी यहाँ पे इस फाइट में जरूर डील करती हुई टीम नजर आई। 7S मोमिन यहाँ पे रहेंगे, साथ में अगर फैसल की बात करें 2 फिनिश पॉइंट जरूर निकाले। बैड बॉय YT की बात करें 3 फिनिश निकाले थे, लेकिन अभी के लिए यहाँ से कन्फर्म कर दिए जा चुके हैं। बिल्कुल FES की तरफ यहाँ पे चलते हैं तो FES वाजिद, VTX तालिब, साथ में FES नियो, उमर, शुएब, यहाँ पे FES का भी पूरा स्क्वाड यहाँ पे रहने वाला। आइस ब्रेकर सभी भी सर्कल के यहाँ पे बाहर थे, लेकिन अभी के लिए अगर सर्कल की बात करें यहाँ पे सामने की तरफ से आइस ब्रेकर्स की टीम रोटेट करती हुई प्लेज उनके अंदर जाती हुई नजर आएगी। लेकिन बैक एंड FES की टीम बिल्कुल इसी स्पॉट की तरफ से जाती हुई नजर आएगी। टॉप की तरफ वहाँ पे रिवेंज स्पोर्ट्स भी होल्ड करती हुई नजर आ रही थी, एक फाइट यहाँ पे उनकी तरफ से निकाली गई थी। रिवेंज का आप देखना पड़ेगा, बिल्कुल डाउन की तरफ यहाँ पे शॉट जरूर दिए जाएंगे। आइस ब्रेकर्स पे यहाँ पे शॉट देते हुए नजर आएंगे। सर्कल हमारा कट चुका है। दूसरा सर्कल के अगर एरियाज की बात करें, रोजो, केसनाया, शेल्टर, मिल्टा, फॉर्म, अपोचिंग के यहाँ पे प्लेसमेंट के अंदर की जाए, बिल्कुल फैजल यहाँ पे इनिशियली डैमेज जरूर डील करेंगे, क्योंकि सामने FES की तरफ से यहाँ पे इन पे शॉट जरूर दिए जाएंगे। FES बिल्कुल इसी स्पॉट की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि ये एरिया जो हमारा रहने वाला है बिल्कुल सर्कल के अंदर का। वहाँ पे कैप्टन की बात करें, कैप्टन भी हल्का सा डैमेज जरूर डील करेंगे। ताले बिल्कुल गाड़ी से निकल के यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल फैसल की अगर हम बात करें तो फैसल पे भी यहाँ पे इनकी तरफ से डैमेज जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल FES की हम बात कर रहे थे, हल्के से शॉट देके स्पॉट से जरूर निकल के जाती हुई। IB की टीम बिल्कुल यहाँ पे डाउन की तरफ इसी स्पॉट की तरफ आ पहुंची, तो अब देखना पड़ेगा FES अगर हल्का सा सामने, जी बिल्कुल FES से शुएब इसी स्पॉट की तरफ अभी के लिए आ पहुंचे। सामने आइस ब्रेकर इसी स्पॉट को होल्ड करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे फिनिक्स की तरफ से एक नॉकआउट निकाला जाएगा, शुएब को यहाँ पे फिनिक्स डाउन करेंगे। यहाँ पे अब देखना पड़ेगा बाकी टीम का, बिल्कुल तालिब भी यहाँ पे डैमेज जरूर दिया जाएगा। तालिब भी यहाँ पे बिल्कुल डैमेज डील करते हुए नजर आएंगे। सामने अगर टॉप की बात करें, अब देखना पड़ेगा फिनिक्स हल्का सा नीचे की तरफ जरूर जा पहुंचे।
संकेत भी यहाँ पे गिरते हुए कुछ नजर आएंगे, तो एक ओपनिंग यहाँ पे इसी आर में जरूर बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन श्रेय प्रॉब्ली यहाँ पे बिल्कुल ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे फिनिक्स एक फिनिश पॉइंट जरूर स्क्योर करेंगे। सामने का तालिब की बात करें, यहाँ पे रिटेलिएशन में एक नॉकआउट इनकी तरफ से भी जरूर निकाला जाएगा। 3v4 की ये फाइट यहाँ पे रहने वाली, आई बी फिनिक्स यहाँ पे रहेंगे, साथ में आई बी मिथ यहाँ पे फुलमैन स्क्वाड के साथ आइस ब्रेकर, एक कैजुअलिटी यहाँ पे एफएस की टीम जरूर डील कर चुकी है। तो फ्रेंजी अभी भी हमारे साथ यहाँ पे स्ट्रीम पे जुड़े हुए, तो दूसरे मैच में आपको सीएस फ्रेंजी जरूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे 4 फुल्स के साथ। तो एक बार कंफर्म टीम की हम बात करें, यहाँ पे आठवें फिनिश हो चुकी है, 3 फिनिशमेंट यहाँ पे जरूर निकाले गए थे, 7 DS यहाँ पे विदाउट एनी फिनिशमेंट इस मैच से जा पहुंची है। साथ में 4 फुल्स की बात करें तो इनका भी कोई फिनिश हमें देखने को नहीं मिला। वहाँ पे FFCRS की बात करें तो जैद पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा, जैद यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। CRS की तरफ से टीम लेगो डिकाज यहाँ पे रहने वाली, T3 का स्ट्रीम फैजल भाई बिल्कुल T3 भी स्ट्रीम किया जाएगा। GW फरदीन यहाँ पे बिल्कुल टैप शॉट के साथ फिनिश पॉइंट स्क्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहाँ पे अगर जैद की बात करें, जैद पे इसी आर में एक रिवाइवल जरूर मिल चुका है, साहिल भी बिल्कुल इनके साथ, दानू इनके साथ डाउन की तरफ। अगर स्कूल अपार्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे लेगो डिकाज की टीम हमें होल्ड करते हुए नजर आएगी। FFCRS यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, GW फरदीन यहाँ पे, रोनिन सीजार भी यहाँ पे जरूर देखने को मिलते हुए। 9 टीम से 33 प्लेयर अभी भी इस मैच में लाए रहने वाले। सर्कल की वहीं बात करें तो ब्लू जोन अब यहाँ पे श्रिंकिंग होना शुरू हो चुका है, तो अर्ली ऑन बिल्कुल पोचिंग की एरिया की तरफ हमें फाइट जरूर देखनी। वहाँ पे उमर की बात करें, उमर पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा आइस ब्रेकर्स की तरफ से। आइस ब्रेकर्स की तरफ एक बार चलेंगे तो एक बार फिर से यहाँ पे इंगेजमेंट हमें फाइट में जरूर देखने को मिलती है। सामने स्मोक यहाँ पे बिल्कुल स्पैम किए जा रहे, वाजिद की तरफ देखना पड़ेगा, वाजिद यहाँ पे बचा पाते हैं। सामने फिनिक्स यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, फिनिक्स यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, फिनिक्स यहाँ पे नॉक इन फिनिश दिया जाएगा तालिब की तरफ से। तो एक गलती आगे जरूर कर बैठी थी। सामने अगर बात करें बिल्कुल अभी के लिए वाजिद भी डाउन किए जाएंगे, तालिब अकेले बचे हुए, तालिब बिल्कुल FPP मोड में जरूर जाएंगे, लेकिन बैक एंड उसामा की तरफ से इन्हें पिक किया जाएगा, कन्फर्म यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आइस ब्रेकर्स बिल्कुल यहाँ पे इस फाइट को निकालती हुई नजर आएगी। उसामा यहाँ पे 2 फिनिश के साथ, ओबामा 1 फिनिश, इस फाइट में बिल्कुल टीम फिनिक्स को जरूर मिस करती हुई नजर आएगी। फिनिक्स यहाँ पे बिल्कुल फिनिश आउट होकर जा चुके हैं, पूरी टीम 4 फिनिश पॉइंट यहाँ पे जरूर निकालेगी। टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स फुलमैन स्क्वाड के साथ अभी भी इस मैच में हमारे साथ जुड़ी हुई, 2 सर्कल कट चुके हैं, 16 मिनट हमारे मैच को भी यहाँ पे हो चुके हैं। 8 टीम से टोटल 29 प्लेयर अभी के लिए यहाँ पे जरूर अलाइव रहने वाले। जी हैकरबाय की बात करें तो ओस्लो, नॉट फजर, NW फिनिक्स यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, फुलमैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे ये टीम देखने को मिलेगी। तो एक स्पॉट अभी के लिए टीम यहाँ पे कुछ मैप्स देखती हुई जरूर नजर आएगी। आई गेस यहाँ पे देखना पड़ेगा ओस्लो क्या इस स्पॉट से निकल के जाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल सर्कल अब यहाँ पे हमारा कटने जा रहा है 3रा, तो देखना पड़ेगा क्या ये एरिया यहाँ पे प्लीज उनके अंदर अगर रहता है तो प्रॉब्ली टीम इसी स्पॉट को जरूर होल्ड करना चाहेगी। वहीं अगर चलते हैं हम यहाँ पे टीम MFA की तरफ, तो MFA का अब देखना पड़ेगा, बिल्कुल आउट ऑफ सर्कल ये लोग जरूर रहने वाले थे, लेकिन नियर टू सेंटर यहां पे अभी के लिए जरूर आ पहुंचे। साथ में अगर हम यहां पे मनी हिस्ट की बात करें तो टॉक्सिक के हेवन, टॉक्सिक की टीम भी बिल्कुल इसी स्पॉट पे आ पहुंची है। हार्डिक स्पाइटी थैंक यू वेरी मच भाई, बिल्कुल 8 टीम से टोटल 29 प्लेयर यहाँ पे लाइव रहेंगे। मनी हिस्ट, TXE, पैक्टर यहाँ पे बिल्कुल टॉप का ये रिज का जो एरिया रहने वाला, इसी स्पॉट को ये लोग जरूर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आई गेस इस स्पॉट से अब यहाँ पे टॉक्सिक स्पॉट निकल के जाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे सर्कल हमारा कट चुका है 3रा सर्कल, यहाँ पे नियर टू सेंटर यहाँ पे बिल्कुल क्लोज इन होते हुए नजर आ रहा। साथ में अगर हम बात करें तो स्कैरेड यहाँ पे बिल्कुल प्लेस उनके सेंटर के अंदर यहाँ पे जरूर रहने वाली। ऑक्सी की बात करें बिल्कुल टॉप की तरफ से यहाँ पे IGL निकल के जाएंगे, IGL पे बिल्कुल यहाँ पे शॉट्स तो जरूर दिए जा रहे हैं, अपनी बगी यहाँ पे भगाने की पूरी कोशिश किए जा रहे हैं। देखना पड़ेगा क्या इस स्पॉट से निकल के जा पाते हैं। ऑक्सी भी बिल्कुल यहाँ पे टॉप की तरफ इसी स्पॉट पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल IGL आई गेस बिल्कुल हल्का सा डाउन की तरफ, डीप की तरफ अभी के लिए जरूर आ पहुंचे, तो यहाँ से शॉट्स को बिल्कुल अवॉइड इनकी तरफ से किया जा सकता है। 1 Empire हंटर साथ में 1 Empire दानो भी बिल्कुल अभी इस स्पॉट से अपनी US देखे जरूर निकल के जाते हुए। टीम से यहाँ पे बिल्कुल प्रेफरेंस अभी के लिए सर्कल को देती हुई प्लेस जोन के अंदर यहाँ पे जरूर जाते हुए नजर आएंगे। आउट ऑफ सर्कल अगर हम बात करें, आइस ब्रेकर्स अभी के लिए आउट ऑफ सर्कल यहाँ पर रहेंगे। वहीं अगर MFA की बात करें, ये लोग प्लेस जोन के अंदर, बाकी बिल्कुल सारी टीम्स यहाँ पे अर्ली रोटेशन से इन टू द प्लेइंग एरिया जरूर दे चुकी हैं। जी बिल्कुल 1 Empire की हम बात कर रहे थे, फुलमैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल इनकी सामने की तरफ लाके यहाँ पे पार्क कर दी जा चुकी हैं। IGL वहाँ से निकले, यहाँ पे IGL को पिक किया जाएगा, बिल्कुल इनकी गाड़ी के एक टायर यहाँ पे जरूर डैमेज कर दिया जाएगा। अब यहाँ से IGL को निकलना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे रिवर्स गियर में इस स्पॉट से निकल के जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब यहाँ से बिल्कुल इस स्पॉट से जरूर एक सेफर एरिया की तरफ टीम को जरूर जाना पड़ेगा। हीस्ट की बात करें, 3 प्लेयर बाकी, बिल्कुल एक सही स्पॉट की तरफ जरूर आ पहुंचे, लेकिन एक फिर IGL अभी के लिए यहाँ से बिल्कुल भरपूर कोशिश किए जा रहे, ब्रोकन व्हीकल के साथ यहाँ पे
पे कंपाउंड्स की तरफ जाने के लिए। जी अब वहाँ पे अगर ब्लू जोन की हम बात करें तो 38 सेकंड के बाद ब्लू जोन भी यहाँ पे श्रृंखला होना शुरू हो जाएगा। आईजीएल पता नहीं, अब देखना पड़ेगा ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ओपन से ब्रोकन व्हीकल लेके निकल के जाते हुए से एक व्हीकल की जरूरत यहाँ पे जरूर को रहने वाली, उसी नीड में यहाँ पे बिल्कुल पूरा एरिया यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे। 24 सेकंड के बाद ब्लू जोन भी श्रृंखला होता हुआ नजर आएगा। एपार्ट्स के एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे टीम लेगो डिकॉयस की होल्ड करती हुई जरूर नजर आएगी। एफ एफ सी आर यहाँ पे इनके साथ, फरदीन यहाँ पे इनके साथ। अब अगर स्कैरेट की बात करें तो स्कैरेट भी बिल्कुल टॉप के यहाँ पे जरूर आती है। यहाँ पे शॉट इनकी तरफ से जरूर देंगे कि वहां पे बिल्कुल रिवेंज की टीम रहने वाली। रिवेंज कैप्टन यहाँ पे फैसल के साथ, साथ में 7S से मोमिन जरूर यहाँ पे रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, वेलकम सर, वेलकम टू द स्ट्रीम। फैसल की अगर हम बात करें तो एक AWM का शॉट यहाँ पे डाउन की तरफ से स्कैरेट पे जरूर जाएगा, डैमेज यहाँ पे जरूर दिया जाएगा इनकी तरफ से। अगर मोमिन की बात करें, मोमिन बिल्कुल यहाँ पे अपने स्पॉट पे प्रोनिन किए हुए नजर आएंगे। ऑक्सी यहाँ पे बिल्कुल आई गेस रोड पे यहाँ पे शॉट हमें देखने को मिलता। जी हाँ बिल्कुल रोड यहाँ पे डैमेज जरूर डील करेंगे। वेस्ट यहाँ पे इनकी डैमेज जरूर हमें देखने को मिलती हुई, बूस्ट अप यहाँ कर चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पे लेवल 1 का हेलमेट इनके पास जरूर देखने को मिलता हुआ। साथ में अगर हम बात करें तो अभी के लिए यहाँ पे हमारा ब्लू जोन भी श्रृंखला होना शुरू हो चुका है। रिवेंज कैप्टन हल्का सा डाउन की तरफ यहां पे जरूर अपनी बगी लेके स्पॉट से निकल के जाते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर 7S फैसल की बात करें तो फैसल यहां पे बिल्कुल सर्कल के अंदर जरूर रहेंगे लेकिन अब यहां पे हमारा नेक्स्ट सर्कल कटने जा रहा है तो देखना पड़ेगा किस तरफ यहां पे सर्कल रहेगा, कौन सी टीम से यहां पे प्ले जोन के अंदर। जी हां बिल्कुल हल्का सा एक प्लेयर यहां पे जरूर एक्सपोज रहने वाले थे लेकिन मोमिन बिल्कुल उसी आड़ में अभी के लिए स्पॉट पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे। गलती अगर यहां पे स्कैरेट कर दिए तो बिल्कुल दिक्कत स्कैरेट की बढ़ सकती है। हल्का सा ओपन में यहां पे ऑक्सी जरूर जाएंगे, टॉप की तरफ यहां पे रिवेंज की टीम रहने वाली। स्पेशल यहां पे बिल्कुल स्पॉटेड रहने वाले, एक नेट यहां पे दिया जाएगा। टॉक्सिक हेवन पे वहां पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा फरदीन की तरफ से। हेवन यहां पे डाउन किया जाएगा। फरदीन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहां पे अपार्ट्स की तरफ से इनकी तरफ से शॉट जरूर दिए जाएंगे। तो रिवाइवल की अगर हम बात करें बिल्कुल यहां पे रिवाइवल मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। 7S यहां पे बिल्कुल टॉप के एरिया की तरफ रहेगी। तो अब प्लीज उनकी हम बात करें, ब्लू जोन बिल्कुल यहां पे श्रिंकिंग हो चुका है। यहां पे हमारा सर्कल नंबर 4 करते हुए शुरू आएगा तो बिल्कुल पैक्टर को अभी के लिए यहां पे डैमेज जरूर दिया जाएगा। अब्दुल मोमिन पैक्टर बॉट, तो अब्दुल मोमिन हमारे साथ लगभग 1-2 साल के बाद से जुड़े हुए, वेलकम। जी बिल्कुल फैसल की बात करें, फैसल यहाँ पे टॉप की तरफ से एक AWM की शॉट के साथ SD पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे। तो स्कैरेड यहाँ पे एक नॉकआउट जरूर डील करती हुई नजर आएगी। टॉप की तरफ अगर 7S रिवेंज स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे FTW की तरफ से मनी हिस्ट पे भी एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आइस वन एम्पायर माफ कीजिएगा इस फाइट में भी इंगेज होती हुई नजर आएगी। स्कैरेड की अगर हम बात करें, रिवाइवल यहाँ पे अभी तक हमें रोड पे देखने को नहीं मिला तो जल्दी यहाँ पे रिवाइवल के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल अब यहाँ से रिवाइवल मिल चुका है। जैद की वहीं बात करें तो जैद के बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे 2 टीम से जरूर रहेंगी। नॉकआउट यहां पे निकाला गया था, अब यहां पे देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर्कल हमारा कट चुका है, नंबर 4 टीम से यहां पे मोस्टली अगर हम बात करें तो प्लीज उनके बाहर यहां पर रहेंगी। वहां पे अगर नॉट फजर की बात करते चलें तो ये लोग बिल्कुल सर्कल के एज की तरफ जरूर आ पहुंचे। साथ में टॉक्सिक आईजीएल ये लोग भी सर्कल के अंदर रहेंगे। पैक्टर यहां पे प्लीज उनके अंदर जरूर देखने को मिलते। ऑर्डर एमफिक यहां पे बिल्कुल सर्कल के बाहर। साथ में अगर एसडी डेविल की बात करें तो यहां पे अब डेविल की तरफ से नॉकआउट निकाला जाएगा 7S से मोमिन पे। मोमिन यहां पे डाउन किए जाएंगे आई गेस। यहां पे बिल्कुल डेविल निकल के जरूर जाते हुए नजर आएंगे। सर्कल की अगर हम बात करें 49 सेकंड के बाद यहां पे हमारा ब्लू जोन भी श्रृंखला होना शुरू हो जाएगा। अपनी टीममेट्स की तरफ यहां पे क्लोजिंग किया जाएगा। और भी अगर रिवेंज की हम बात करें तो आई गेस रिवाइवल देना काफी मुश्किल यहां पे फैसल पे। बिल्कुल फैसल यहां पे ब्लीड आउट होते हुए हमें जरूर नजर आएंगे। मोमिन निकल चुके हैं यहां पे रिवेंज कैप्टन के साथ, प्लीज जोन के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। तो अभी भी 8 टीम से टोटल 29 प्लेयर 23 मिनट हमारे मैच को भी हो चुके हैं। सर्कल कट चुके हैं 4। वहां पे अगर डेविल की बात करें फिनिश पॉइंट स्कोर किया जाएगा 7S से। फैसल यहां पे ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे। साथ में एमफे की बात करें यहां पे स्कल की तरफ से नॉकआउट निकाला जाएगा। स्कल का देखना पड़ेगा यहां पे इनके सामने आई भी ओबामा डाउन पड़े हुए, एक हल्का सा डिप यहां पे रहने वाला। इसी डिप में यहां पे एक नॉकआउट जरूर देखने को मिला। अब अगर आईबी के बाकी प्लेयर्स की बात करें तो मिथ भी यहां पे बिल्कुल बैक साइड क्लोजिंग करेंगे। बिल्कुल ओपन में यहां पे एमपे की टीम यहां पे रहने वाली, एक नॉकआउट यहां पे डील करेगी मिथ। यहां पे जी स्कल पे एक नॉकआउट निकाल के साथ में ओबामा का देखना पड़ेगा। उसामा को जल्दी यहां पे क्लोजिंग करना पड़ेगा। साथ में श्राउड भी बिल्कुल डाउन की तरफ इसी स्पॉट पे अभी के लिए रिलोड पे यहां पे जरूर रहने वाले। एक रिवाइवल के लिए यहां पे उसामा की एंट्री जरूर हो चुकी है, देखना पड़ेगा। मिथ भी बिल्कुल टॉप की तरफ यहां से आएंगे। वहां पे उसामा की बात करें, उसामा भी डैमेज डील करेंगे, शॉट यहां पे देंगे। बिल्कुल टोने हुए थे लेकिन यहां पे एक और नॉकआउट निकाला
जाएगा। लिविंग हम यहाँ पे ओसामा को डाउन करेंगे, साथ में अगर सेवन एस की बात करें तो सेवन एस यहाँ पे इसी स्पॉट की तरफ से क्लोजिंग करेगी। यहाँ पे मिथ डैमेज डील करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे डॉट एच पी पे बचे हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे मिथ बिल्कुल दिक्कतों में आ सकते हैं। सामने अगर एम फेक की बात करें तो दो नॉकआउट यहाँ पे एम फेक भी जरूर डील कर चुके हैं। स्मोक की आड़ में बिल्कुल रिवाइवल यहाँ पे मिलता हुआ। ईस्ट की वहीं बात करें तो बिल्कुल कैप्टन को यहाँ से डाउन करेंगे, कैप्टन यहाँ से डाउन। मोमिन का आप देखना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड में मोमिन की तरफ से एम फेक के लिविंग गम को भी डाउन जरूर किया जाएगा, तो एम फेक अब यहाँ पे तीसरा नॉकआउट डील करेगी। बैकेंड यहाँ पे अगर सेवन इस मोमिन की बात करें तो फिनिश पॉइंट यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर भी कन्फर्म होकर जाते हुए। आईबी की बात करें ओबामा अभी भी यहाँ पे डाउन रहने वाले, सामने की तरफ यहाँ पे रिवाइवल के लिए मिथ जरूर आप मुझे हल्का सा डीप यहाँ पे इनके पास रहने वाला। स्टार्टिंग यहाँ पे बिल्कुल एक स्मोक के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ओबामा ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे। यहाँ से निकल के मिथ को भी जरूर जाना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे शॉट्स जरूर इन पे दिए जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा क्या इस स्पॉट से ये निकल के जा पाते हैं। बिल्कुल फुल स्मोक यहाँ पे इनकी तरफ से स्पैम किए जा रहे, लेकिन गेस यहाँ पे इनकी बगी के दोनों टायर से ब्लास्ट कर दिए जा चुके, तो यहाँ से बिल्कुल दिक्कत है बच्चे। बिल्कुल बैक साइड यहाँ पे हैकर बॉय हील की टीम जरूर रहेगी, ये लोग यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह मिथ को यहाँ पे सप्रेस किए हुए। अभी अगर सेवन इस मोमिन की बात करें तो मोमिन भी अकेले अपनी टीम से अभी के लिए यहाँ पे इस मैच में रहने वाले। हैकर बाई की बात करें अब यहाँ से मिथ को कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे वन एम्पायर माफ कीजिएगा आइस ब्रेकर्स की टीम यहाँ पे पूरा फिनिश आउट होकर जाते हुए। पांचवा सर्कल यहाँ पे कट चुका है और टॉक्सिक फैक्टर यहाँ पे एक टीम प्लेज उनके अंदर, सेवन इस मोमिन यहाँ पे प्लेज उनके अंदर। साथ में अगर लेगो डिकॉयस की बात करें तो इनके एक प्लेयर अभी के लिए प्लेज उनके अंदर रहेंगे। डी डब्ल्यू फरदीन यहाँ पे एफ एफ साइरस बिल्कुल ओपन से टीम स्मोक्स की आड़ में यहाँ से निकल के जरूर जाती हुई नजर आएगी। सामने अगर बात करें तो बिल्कुल स्कैरेड यहाँ पे जरूर रहने वाले, ओपन में यहाँ पे शॉट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बैक साइड टैप शॉट फर्दीन जरूर देंगे, हल्का सा डैमेज यहाँ पे एक शॉट एक दो जरूर की तरफ से कनेक्ट किए जाएंगे, डैमेज यहाँ पे दिया जाएगा। स्कैरेट का देखना पड़ेगा, लेकिन रिटेलिशन में यहाँ पे इन पे भी शॉट देंगे। फर्दीन यहाँ पे रोर पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, स्कैरेट के रोर यहाँ पे डाउन। रिवाइवल की अगर हम बात करें रिटेलिशन में ऑक्सी एक नॉकआउट निकाल, लेकिन अभी के लिए ऑक्सी को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। दो नॉकआउट यहाँ पे स्कैरेट डील करेगी। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या टीम रोनिन सीजार ये लोग क्लोजिंग करेंगे। यहाँ पे फर्दीन भी डाउन जरूर रहने वाले। सीआरएस साहिल की वहीं बात करें तो यहाँ पे वन एम्पायर देखने को मिलेगी बिल्कुल M249 के साथ, प्लीज उनके बिल्कुल एज पे रहने वाली टॉप की तरफ यहाँ पे स्कैरेड रहने वाली, ये लोग भी बिल्कुल सर्कल के बाहर रहने वाले, तो इन्हें भी जल्दी यहाँ पे प्लीज उनके अंदर जाना पड़ेगा। स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हुए हैं स्ट्रीम को अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्कैरेड की बात करें बिल्कुल दोनों प्लेस पे यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है, अब यहाँ पे ये लोग प्लेइंग एरिया की तरफ हमें जाते हुए जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे ब्लू जोन की हम बात करें तो ब्लू जोन अब यहाँ पे हमारा श्रिंकेन होना शुरू हो चुका है। पांच सर्कल कट चुके हैं, 26 मिनट मैच को भी हो चुके हैं। साथ में अगर हम बात करें तो छह टीम्स अभी भी अलाइव, टोटल 20 प्लेयर्स यहाँ पे इस मैच में हमारे साथ जरूर जुड़े हुए नजर आ रहे। वहाँ पे मोमिन की बात करें, मोमिन एक नॉकआउट निकालेंगे, मोमिन यहाँ पे टीएक्सी हेवन की तरफ से एसडी डेविल पे एक नॉकआउट निकालेगा। सामने बिल्कुल यहाँ पे मोलोटॉप जरूर दिए जाएंगे, हैकर यहाँ पे डाउन जरूर किए जाएंगे, आईजीएल वहाँ पे आई हंटर पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, तो अब यहाँ पे बिल्कुल नॉकआउट्स का खेल जरूर शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक नेट जरूर मोमिन की तरफ आएगा, डैमेज यहाँ पे मोमिन जरूर डील करते हुए नजर आएंगे। सामने बिल्कुल फुलमैन स्क्वाड के साथ हैकर पे यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है। जैद की वहीं बात करें तो एसडीआई रोड पे भी एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा, टॉप की तरफ यहाँ पे क्लोजन जरूर किया जाएगा, शॉट यहाँ पे ओस्लो की तरफ से दिए जाएंगे, लेकिन मोमिन हल्का सा राइट की तरफ रोटेट करके जा पहुंचे। वहां पर आयुष की बात करें तो आयुष की तरफ से भी एक नॉकआउट देखने को मिलता है, आयुष यहाँ पे जैद को पूरा कंफर्म करेंगे। स्कैरेड यहाँ पे बिल्कुल दो नॉकआउट तो जरूर डील कर चुके, रोनिन सीजार एनडब्ल्यू फिनिक्स पे एक नॉकआउट निकालेंगे, फरदीन यहाँ पे ओस्लो से डाउन किए जाएंगे, फजर यहां पे बिल्कुल बैक साइड डीपी के शॉट जरूर देते हुए नजरेंगे, पेक्टर वहां पे एक और नॉकआउट जरूर निकालेंगे। हीट की अगर हम बात करें बिल्कुल सामने स्कैरेड की टीम यहां पे प्लेज उनके अंदर आती हुई जरूर नजर आएगी। पेक्टर यहां पे वन एम्पायर हंटर को अभी के लिए पूरा कंफर्म करेंगे, तो अभी भी छह टीम यहां पे लाइव। डी डब्ल्यू फरदीन की बात करें, सेवन एस मोमेंट को यहां पे डाउन करते हुए कंफर्म करेंगे, एल डी आई रोर को यहां से बिल्कुल एक नेट के साथ कंफर्म कर दिया जाएगा। फजर की अगर हम बात करें तो फजर यहां पे रोनिन सीजार पे एक नॉकआउट जरूर निकालते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अगर डेविल की यहाँ पे बात करें तो डेविल यहाँ पे टीएक्सी हेवन पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, आउट ऑफ सर्कल यहाँ पे स्कैटर रहने वाले। आयुष बिल्कुल एक नेट के साथ साहिल को डाउन करेंगे, फजर की बात करें रोनिन सीजार को यहाँ पे इनकी तरफ से कंफर्म कर दिया जाएगा। आयुष का अब देखना पड़ेगा, बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे वन एम्पायर अकेले दानों बचे हुए, हैकर बॉय वहाँ पे डी डब्ल्यू फरदीन को भी पूरा कंफर्म करेंगे, दो फिनिश पॉइंट यहाँ पे इनके पास देंगे। पैक्टर की अगर हम बात करें, पैक्टर यहाँ पे एच डी डेविल पे एक नॉकआउट यहाँ पे जरूर निकालेंगे, बिल्कुल डेविल को यहाँ पे पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। स्कैरेट अब यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ रहने वाले, साथ में अगर वन एम्पायर की बात करें तो अकेले दानू यहाँ पे बचे हुए स्मोक्स की आड़ में बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे जरूर जाते हुए नजर आएंगे।
अच्छा टर्न ऑफ द हीट की बात करें तो एक नॉकआउट यहाँ पे जरूर डील किया था टीम ने, लेकिन रिवाइवल यहाँ पे मिल चुका, वहाँ पे ऑक्सी को भी डाउन किया जाएगा। तो आईजीएल की अगर हम बात करें, टॉक्सिक स्पोर्ट्स यहाँ पे इस फाइट को निकालते हुए नजर आएगी। ऑक्सी यहाँ पे डाउन रहने वाले, आयुष वहाँ पे रिटेलिएशन में बिल्कुल एक नॉकआउट निकालेंगे। आउट ऑफ सर्कल यहाँ पे फजर टीएक्सी पैक्टर को डाउन करेंगे प्लीज उनके साथ। मनी हिस्ट भी यहाँ पे डाउन होते हुए और टॉक्सिक आप देखना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पे अकेले आईजीएल सर्कल के अंदर रहेंगे। एसडी आयुष वहाँ पे मनी हिस्ट को पूरा कन्फर्म करते हुए, आयुष यहाँ पे हेवन को भी कन्फर्म करेंगे। एफएफसीआरएस की बात करें तो बिल्कुल हैकर पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा, आप देखना पड़ेगा बिल्कुल सामने। फिनिक्स भी जरूरी, यहाँ पे सीआरएस बिल्कुल स्पॉटेड कर लिए जा चुके हैं, आप देखना पड़ेगा इनकी तरफ एक क्लोजिंग किया जाएगा, यहाँ पे सीआरएस को भी कंफर्म कर दिया जाएगा। तो टीम यहाँ पे पूरा कंफर्म होके जाती हुई, तो अब यहाँ पे फाइनल चार टीम रहने वाली। टॉक्सिक की अगर हम बात करें अकेले यहाँ पे आईजीएल रहेंगे। हैकर बॉय की अगर हम बात करें तो टीम टर्न ऑफ द हीट फुल मैन स्क्वाड के साथ एक नॉकआउट यहाँ पे जरूर देखने को मिला था। साथ में अगर वन एम्पायर की बात करें टू मैन स्क्वाड के साथ ये टीम रहेगी। एसडी एरो यहाँ पे डाउन, आयुष को जल्दी यहाँ पे रिवाइवल के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल गाड़ी यहाँ से भगा के नीचे की तरफ यहाँ पे ऑक्सी की तरफ यहाँ पे जरूर जाते हुए नजरेंगे, लेकिन बैकेट यहाँ पे नहीं बिल्कुल पिक किया जाएगा, डैमेज यहाँ पे जरूर डील करते हुए नजरेंगे। आईजीएल भी बिल्कुल टॉप है, साथ में दानू भी वहाँ पे टीम स्केलेट के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दानू की अगर हम बात करें बिल्कुल अभी के लिए हैकर बाय थे नॉकआउट, उसको यहाँ पे बिल्कुल सामने रहेंगे, उसको यहाँ पे टाइमली कवर में जाएंगे। यहाँ पे हैकर का देखना पड़ेगा क्या फिनिश पॉइंट स्क्योर किया जाएगा। बैक साइड अगर हम बात करें फजर की तरफ से यहाँ पे शॉट जरूर दिए जाएंगे, रिवाइवल यहाँ पे जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल आईजीएल की अगर हम बात करें कि मोलोटॉप यहाँ पे साहिल की तरफ जाएगा, साहिल एक नॉकआउट यहाँ पे साहिल पे जरूर निकाला जाएगा। अभी भी यहाँ पे दानू अपनी टीम से रहने वाले, दानू बिल्कुल डाउन की तरफ यहाँ पे स्कैरेट के साथ भी इंगेज होंगे। और टॉप का देखना पड़ेगा फजर यहाँ पे ऑक्सी पे एक नॉकआउट निकालेंगे, आयुष यहाँ पे रिटेलिएशन में शॉट्स जरूर देते हुए उनके सामने अगर देखना पड़ेगा बिल्कुल वहाँ पे आईजीएल की तरफ से साहिल को कन्फर्म कर दिया, ऑक्सी यहाँ पे कन्फर्म कर दिए जाएंगे ओस्लो की तरफ से। वन वी वन वी वन का ये सिनेरियो, दानू अकेले अपनी टीम से बचे हुए। टॉक्सिक की अगर हम बात करें तो आईजीएल यहाँ पे अकेले रहने वाले, सामने बिल्कुल फुल मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे टर्न ऑफ द हीट की टीम रहने वाली जो अभी तक 9 फिनिश पॉइंट जरूर निकाल चुकी है। को दानू का भी खेल यहाँ पे ऑस्लो की तरफ से स्पॉट किया जाएगा, दानू को यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा। 1v4 यहाँ पे एंड का बना हुआ, सामने बिल्कुल यहाँ पे टीएक्सी आईजीएल अकेले अपनी टीम से, पूरी टीम यहाँ पे टर्न ऑफ द हीट की। बिल्कुल यहाँ पे नीड से सब कुछ यहाँ पे स्पैम किया जाएगा, हल्का से यहाँ पे शॉट दिए जाएंगे, एक नॉकआउट निकाला जाएगा, लेकिन बैक एंड टॉप की तरफ से यहाँ पे ऑस्लो की तरफ से पिक किया जाएगा, कन्फर्म यहाँ पे किया जाएगा। तो चिकन डिनर यहाँ पे टर्न ऑफ द हीट जरूर लेके जाती है। तो पहला मैच अभी के लिए हमारा, जी बिल्कुल पहला मैच हमारा अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हैकर बॉय टर्न द हीट चिकन डिनर जरूर लेके जाएगी। सेकंड स्पॉट यहाँ पे टॉक्सिक स्पोर्ट्स के पास रहने वाली, थर्ड स्पॉट पे यहाँ पे वन एम्पायर जरूर रहने वाली। तो स्टार ऑफ द मैच की बात करें गोइंग ऑल आउट ओस्लो यहाँ पर रहेंगे बेस्ट कैंपेनियन यहाँ पे 3 रिवाइवल दानू के। फिनिशर की बात करें तो ओस्लो यहाँ पे फिनिशिंग का रोल जरूर लेके जाएंगे। तो दूसरा मैच हमारा जल्दी शुरू होने जा रहा है, तो जल्दी तो जुड़े रहे हमारे साथ।
सो गाइज वेलकम बैक अगेन। तो मैच नंबर टू अभी के लिए हमारा शुरू हो चुका है। सेना का ये मैप रहेगा, टोटल 14 टीम्स 49 प्लेयर्स यहाँ पे इस मैच में हमारे साथ। टॉक्सिक ईस्पोर्ट 2 मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे, S2K 3 मैन स्क्वाड के साथ, MFAK यहाँ पर रहेगी। तो इसी तरह सारी टीम्स हमारे साथ जुड़ी। टीम्स अभी के लिए अपनी अपनी यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन की तरफ ज़रूर जाती हुई नज़र आ रही। सोल टेकर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो वेलकम। इस बार अगर हम बात करें तो फ्रेंजी भाई अभी भी इस मैच में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। टू मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे टीम्स फोर फूल्स की हमें ज़रूर देखने को मिलती है। फोर फूल्स की अगर बात करें वहाँ पे टाइसन की तरफ से बैड बाय वाईटी पे इनिशियली फिनिश जरूर सिक्योर किया जाएगा। पॉइंट ब्लैंक यहाँ पे रहने वाली टाइसन। यहाँ पे गनर की बात करें 7S मोमेंट पे भी एक नॉकआउट निकाल देगा, तो 7S यहाँ पे बिल्कुल दिक्कतों में आती हुई। दो प्लेयर यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं 2v2 की ये फाइट। पैक्टर वहाँ पे S2 के IML को पूरा कन्फर्म करते हुए नजर आएंगे। सामने अगर हम बात करें अब देखना पड़ेगा 2v3 की ये फाइट। पॉइंट ब्लैंक अभी तक दो फिनिश पॉइंट जरूर सिक्योर कर चुकी है। हंटर अगर हम बात करें तो यहाँ पे गनर ने डैमेज जरूर डील किया हुआ नजर आ रहा। टाइसन पे बिल्कुल बूस्ट अप करेंगे। रिवेंज कैप्टन का देखना पड़ेगा बिल्कुल डाउन की तरफ। यहाँ पे एक स्लैमिन जरून की तरफ आते हुए नजर आएगा। बिल्कुल दोनों प्लेयर से एक ही स्पॉट पे यहाँ पे होल्ड करते हुए जरूर नजर आएंगे। कैप्टन की बात करें, कैप्टन यहाँ पे शॉट्स डाउन की तरफ जरूर देंगे, ऊपर में हल्का सा निकल के जाएंगे, लेकिन यहाँ पे DBS का एक शॉट है टाइसन की तरफ से आता हुआ, यहाँ पे डाउन किया जाएगा कन्फर्म। पॉइंट ब्लैंक फ्रैगर बैक साइड यहाँ पे शॉट देंगे, यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। तो गनर इस फाइट से दो फिनिश पॉइंट लेके जाएंगे। साथ में टाइसन की बात करें तो दो फिनिश पॉइंट यहाँ पे इनके रहने वाले। वहाँ पे अगर 70s की बात करें तो 70s भी इंगेज हो चुकी है एक फाइट में। इनके सामने की अगर हम बात करें अभी के लिए आई गेस FES की टीम यहाँ पे जरूर रहने वाली। बिल्कुल 70s के सामने यहाँ पे FES रहेगी। FES एक नॉकआउट यहाँ पे जरूर डील कर चुकी है। रिवाइवल एक यहाँ पे जरूर मिलता हुआ। उमर यहाँ पे डाउन थे, रिवाइवल यहाँ पे मिल चुका है। तारों की वहीं बात करें R2F लॉर्ड पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा। तो एक बार R2F की तरफ भी हम चलेंगे, देखना पड़ेगा। सामने बिल्कुल वन एम्पायर भी रहने वाली और फोर फूल्स जो टू मैन स्क्वाड के साथ जुड़ी हुई थी, बिल्कुल ये लोग भी इसी स्पॉट के साथ जुड़ी हुई नजर आएगी। बिल्कुल ओपन से यहाँ पे 4F यहाँ से निकल के जरूर जाती हुई। R2F की बात करें, रिवाइवल यहाँ पे मिलता है। बैकेंड अगर IB मिथ की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे टीम से आमने सामने यहाँ पे रहने वाली। एक नॉकआउट यहाँ पे चौको टेको पे जरूर निकाला जाएगा आइस ब्रेकर्स की तरफ से। यहाँ पे ओबामा भी खड़े हुए इसी स्पॉट पे, उसामा यहाँ पे इनके साथ, MFAK बिल्कुल डाउन की तरफ यहाँ पे जरूर रहेगी। श्राउड यहाँ पे जरूर इनके साथ रहने वाले। जी बिल्कुल मिथ की बात करें वहाँ पे चौको टेको को पूरा कन्फर्म कर दिया जाएगा। ब्रो शुरू से पॉइंट टेबल स्टार्ट किया है या बेस ही सेम है? भाई समझा नहीं मैं क्या शुरू से स्टार्ट किया। पॉइंट टेबल वीकली होते हैं, वीक हिसाब से। अच्छा यहाँ पे एमफेक की बात करें, डाउन की तरफ यहाँ पे शॉट जरूर दिए जाएंगे। डैमेज यहाँ पे ऑर्डर की तरफ से दिया जाएगा। ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, डॉट एचपी यहाँ पे बचे हुए नजर आएंगे। फुल यहाँ पे शॉट इनकी तरफ से दिए जा रहे, लेकिन यहाँ पे निकलने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पे श्राउड की बात करें, श्राउड यहाँ से बैठ जाए एक नाकआउट निकालेंगे। अभी क्या अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे फिनिक्स को भी डाउन किया जाएगा लिविंग गम की तरफ से। यहाँ पे कैचर भी जरूर डील करके, साथ में ओबामा का देखना पड़ेगा। ओसामा भी बिल्कुल इसी स्पॉट पे होल्ड करते हुए। सामने फिनिक्स यहाँ पे डाउन, यहाँ पे ऑर्डर एक क्लोजिंग की तरफ से जरूर किए जा रहे। ऑर्डर का देखना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पे शॉट से दोनों साइड से जरूर क्रिएट किए जा रहे। डैमेज यहाँ पे दिया जाएगा इनिशियली। ऑर्डर का देखना पड़ेगा बिल्कुल, ऑर्डर यहाँ पे डॉट एच भी बचे हुए, फिर भी यहाँ पे डाउन करेंगे ओसामा को। यहाँ पे ओबामा का देखना पड़ेगा अकेले अपनी टीम से बचे हुए। सामने MFAK यहाँ पे बिल्कुल शॉट्स पे शॉट दिए जा रहे। वहाँ पे फोर स्काई की तरफ से एक नॉकआउट जरूर निकालेगा। साइल वहाँ पे हंटर को डाउन करेंगे। यहाँ पे अगर MFAK की बात करें तो MFAK की तरफ अभी के लिए फिनिक्स भी यहाँ पे डाउन रहने वाले। MFAK एक प्लेयर यहाँ पे कन्फर्म, दो डाउन यहाँ पे। श्राउड यहाँ पे टाइमली एक रिवाइवल जरूर दे चुके हैं। बिल्कुल अगर ओबामा की बात करें, ओबामा यहाँ पे शॉट देंगे, ओबामा यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे, फिनिश करने के लिए जाएंगे, एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे सिक्योर करेंगे। 2v2 की फाइट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओबामा की अगर हम बात करें बिल्कुल डॉट एचपी बचे हुए। सामने की तरफ से यहाँ पे लिविंग हम का एक क्लोजअप देखने को मिलेगा, कन्फर्म यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आइस ब्रेकर इनिशियली इस मैच से फिनिश आउट होकर जाते। 4F की तरफ एक बार चलेंगे, एक नॉकआउट यहाँ पे हंटर पे जरूर देखने को मिला था, लेकिन हंटर की अगर हम बात करें अभी के लिए स्काई की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग कर चुकी है। रिवाइवल यहाँ पे जरूर देखने को मिलता है। सामने जैद फदव, साथ में साहिल, वन एम्पायर, हंटर, दानू यहां पे जरूर इनके साथ देखने को मिलते हुए। अभी अगर डेविल की बात करें तो टॉक्सिक फैक्टर को अभी के लिए यहाँ पे डाउन करेंगे। टॉक्सिक जो टू मैन स्क्वाड के साथ इस मैच में जुड़ी हुई, एक नॉकआउट यहाँ पे डील करेगी डेविल। वहाँ पे टॉक्सिक फैक्टर को पूरा कंफर्म करेंगे। तो अब यहाँ पे अकेले बचे हुए TXC हेवन रहने वाले।
पॉइंट टेबल अभी के लिए अगर हम बात करें भाई, ये वीक का लास्ट मैच हमारा रहने वाला, तो अभी का जो 6 डेज हमारे हुए हैं तो उसको ऐड किया जाएगा ये 7 डे। कल से नई तरह पॉइंट टेबल हमारा शुरू हो जाएगा, तो जिन टीम्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो वो लोग जल्दी रजिस्टर कर दें। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम टॉक्सिक की बात करें तो टॉक्सिक की फिनिश आउट होके जाते हुए 3 टीम्स यहाँ पे फिनिश हो चुकी हैं। आई भी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, साथ में 7S की टीम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। वहाँ पे अगर TXC हेवन की बात करें, टॉक्सिक की स्पोर्ट्स टूमेन स्क्वाड के साथ यहाँ पे इस मैच में जुड़े हुए थे, ये लोग भी फिनिश आउट हो चुके हैं। SD ऑक्सी बिल्कुल 2 फिनिश पॉइंट, 1 फिनिश पॉइंट माफ कीजिएगा, अभी तक जरूर निकाल चुके। 70 स्टॉक की वहाँ पे बात करें तो FES शुएब पे एक नॉकआउट जरूर निकाल के, शुएब यहाँ पे गन्ना की बात करें तो रिटेलिएशन में यहाँ पे 70 स्टॉक पे एक नॉकआउट जरूर निकाल के, दोनों साइड एक एक नॉकआउट हमें जरूर देखने को मिलता। उमर की ही बात करें, बिल्कुल तालो यहाँ पर इनके साथ रहेंगे, हल्का सा बीजी की तरफ यहाँ पे टीम जरूर जाना चाहेगी। यहाँ पे एक नॉकआउट डीजी करने के बाद अब देखना पड़ेगा 70 SH2SO4, वहाँ पे गन्ना पे भी एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लेयर FES के डाउन पड़े हुए जरूर निकलेंगे। सामने अगर बात करें और कुछ बिल्कुल ओपन पर निकल के जाएंगे, शॉट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, तालिब यहाँ पे बिल्कुल डाउन कर दिए जाएंगे, तो अकेले अब यहाँ पे उमर बचे हुए, उमर के सामने बिल्कुल 3 मैन स्क्वाड के साथ जी बिल्कुल 1 प्लेयर तो 70 के डाउन यहाँ पे रहेंगे, और कस यहाँ पे रहेंगे गैंगस्टर साथ में H2SO4, तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा बिल्कुल और कस यहाँ पे VTS तालिब को पूरा कन्फर्म करेंगे, अकेले उमर बचे हुए हल्का सा पीछे की तरफ यहाँ पे जरूर निकल के जाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे रोनिन सिजार भी कंफर्म हो चुके हैं 2 मैन स्क्वाड के साथ, टीम FF यहाँ पे CRS लेगो डिकॉयस की टीम रहने वाली, एक कैजुअलिटी यहाँ पे S2K भी जरूर डील कर चुके हैं। H2 सिर्फ वहाँ पे गन्ना को कंफर्म करेंगे, तो एक और फिनिश पॉइंट यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा। डाउन की तरफ अगर S2K की बात करें तो मेन यहाँ पे बिल्डिंग इनकी तरफ से जरूर होल्ड कर ली जा चुकी है, और फिर बिल्कुल डाउन की तरफ यहाँ पे स्कैरेट की जो है, वहाँ पे अगर ऑर्कस की बात करें तो शुएब को पूरा कन्फर्म करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बूट कैंप की अगर हम बात करें तो तीन टीम्स अभी भी यहाँ पे इस स्पॉट पे ज़रूर हमें देखने को मिलेंगी। FFCRS लेगो डिकॉयस की टीम साथ में S2K, वहाँ पे अगर हल्का सा सामने की तरफ चलते हैं तो स्कैरेट भी बिल्कुल इसी स्पॉट की तरफ ज़रूर रहने वाली। बिल्कुल बिग शाउट आउट टू लव वाइपर फ्रॉम टीम स्पार्टन्स अभी के लिए हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पे जुड़े हुए। RTF की तरफ चलते हैं तो पॉइंट ब्लैंक पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा, गनर को यहाँ पे पूरा कन्फर्म कर दिया जाएगा, तो एक कैजुअलिटी यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक भी डील करते हुए नजर आएगी। गनर यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, साथ में अगर एनबी टाइसन की बात करें तो फ्रैगर यहाँ पे जरूर अभी भी इनके साथ इस स्पॉट पे रहेंगे। R2F एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाल चुकी है, ड्रैगन का वो फिनिश पॉइंट जरूर रहने वाला। जी हाँ, जैद की अगर हम बात करें स्लाइडली यहाँ पे प्रून इन करके सामने की तरफ क्लोज इन किया जाएगा, वहाँ पे FES नियो उमर भी कंफर्म कर दिए जाएंगे, तो FES भी यहाँ पे इस मैच से फिनिश आउट होके जाते हुए। 70S की अगर हम बात करें तो 4 फिनिश पॉइंट यहाँ पे 70S लेगी, 2 फिनिश यहाँ पे स्टार्ट के। H2SO4 की वहीं बात करें तो 2 फिनिश पॉइंट के साथ H2SO4 भी जरूर इस मैच में रहेंगे। 10 टीम्स टोटल 30 प्लेयर यहाँ पे लाइव। यहाँ पे अगर सर्कल की तरफ चलते हैं, एक सर्कल अभी तक कटा है, साथ में ब्लू जोन भी यहाँ पे श्रृंखला होना शुरू हो चुका है। स्ट्रीम पर जो लोग जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम को अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अब बिल्कुल 4F यहाँ पे हंटर और स्काई 2 मैन स्क्वाड के साथ अभी भी इस मैच में हमें देखने को मिलते हुए, साथ में अगर एक बार MFAK की तरफ चलें तो MFAK भी बिल्कुल 2 कैजुअलिटीज यहाँ पे डील कर चुकी है, 4 फिनिश पॉइंट यहाँ पे MFAK के जरूर हमें देखने को मिले। साथ में अगर बात यहाँ पे स्कैरेड की करें तो स्कैरेड अभी भी यहाँ पे बूट कैंप के एरिया को होल्ड करते हुए नजर आएगी। 2 टीम्स यहाँ पे अभी इनके सामने के मतारा यहाँ पे हल्का सा पीछे की तरफ आ चुके, साथ में यहाँ पे बिल्कुल स्पॉट करेंगे, रोड पे यहाँ पे शॉट जरूर दिए जाएंगे लेकिन डैमेज अभी के लिए हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतारा की बात करें बिल्कुल एक साइड यहाँ पे होल्ड इनका जरूर देखने को, CRS बिल्कुल यहाँ पे बैक साइड कॉफिन जॉर्ड की तरफ से पिक किए जाएंगे, कॉफिन जॉर्ड यहाँ पे CRS को डाउन करेंगे। रिवाइवल आप देखने को बिल्कुल उसी स्क्वाड की तरफ आप हो जाएंगे, यहाँ पे इजीली कंफर्म कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे कॉफिन जॉर्ड एक फिनिश पॉइंट जरूर सिक्योर करेंगे। साथ में अगर बात करें कॉफिन जॉर्ड की तरफ से यहाँ पे फ्रैग मद्दारा को भी पूरा कन्फर्म कर दिया जाएगा, तो मद्दारा भी यहाँ पे फिनिश आउट होते, तो अब यहाँ पे 2 टीम्स इस स्पॉट पर हमें जरूर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल फीनिक्स हल्का सा दूसरे साइड यहाँ पे रहेंगे, सामने स्कैरेड फुल मैन स्क्वाड के साथ। यहाँ पे हंटर की बात करें, पॉइंट ब्लैंक पे एक नॉकआउट ऑर्डर, वहाँ पे R2F लॉर्ड पे एक नॉकआउट निकालेंगे, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा लोगन बिल्कुल यहाँ पे सामने शॉट देंगे, लोगन यहाँ पे 1 एम्पायर हंटर पे एक नॉकआउट निकालेंगे, बिल्कुल यहाँ पे कन्फर्म कर दिया जाएगा। फिनिश पॉइंट यहाँ पे ड्रैगन की बात करें, ड्रैगन यहाँ पे रिवाइवल के लिए जरूर जाते हुए नजर आएंगे, तो 3 मैन स्क्वाड के साथ अभी भी 1 एम्पायर यहाँ पे इस मैच में रहेगी। दानू बिल्कुल यहाँ पे इसी स्पॉट पर, दानू की तरफ यहाँ पे एक क्लोजअप हमें जरूर देखने को मिलता हुआ।
या बिल्कुल डाउन की तरफ। यहाँ पे दान जाके हल्के से शॉट्स यहाँ पे जरूर देते हुए नजर आएंगे। साहिल यहाँ पे लिविंग का यहाँ पे ओपन से निकल जाएंगे, लिविंग का यहाँ पे शॉट जरूर देंगे लेकिन डाउन किया जाएगा साहिल की तरफ से। लेकिन अभी के लिए ऑर्डर की तरफ से यहाँ पे साहिल को भी डाउन किया जाएगा। तो तीन टीम्स इस स्पॉट पर रहने वाली, एमफे का देखना पड़ेगा बिल्कुल ऑर्डर यहाँ पे इनके साथ रहेंगे। रिवाइवल हमें जरूर देखने को मिल सकता है। साथ में अगर बात यहाँ पे करें साहिल की तो लिविंग को यहाँ पे पूरा कन्फर्म करेंगे, ऑर्डर को भी यहाँ पे जैद की तरफ से पूरा कन्फर्म कर दिया जाएगा। वहाँ पे कॉफिन जॉट की बात करें तो एस डी आई रोड पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा। डेविल की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे ड्रेवल की तरफ से ट्रेड में यहाँ पे कॉफिन जॉट भी डाउन किए जाएंगे। फिनिक्स यहाँ पे अकेले अपनी टीम से बचे हुए, ऑक्सी यहाँ पे कॉफिन जॉट को कन्फर्म करेंगे। फिनिक्स का अब देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे सामने की तरफ ये हमें जाते हुए नजर आएंगे। ड्रेवल इनके सामने के तीन फिर यहाँ पे सामने की तरफ आएंगे, फिनिक्स को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे तो एस टू के यहाँ पे फिनिश आउट होके जाते हुए। फ्रेगर की बात करें तो फ्रेगर यहाँ पे बिल्कुल स्काई यहाँ पे फ्रेगर को बिल्कुल अपने कानों पे उठाए हुए। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक फ्रेगर भी कंफर्म हो गए। तो एनबी स्काई एनबी टायसन यहाँ पे बिल्कुल अपनी टीम से अकेले अभी के लिए इस मैच में बचे हुए नजर आएंगे। फोर फूल से एक फिनिश पर यहाँ पे हंटर जरूर निकाल चुके हैं। जी हाँ दानू की बात करें तो आर टू एफ बीस को यहाँ पे दानू की तरफ से पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा तो नंबर थ्री फिनिश पॉइंट यहाँ पे जरूर निकालेगा। डाउन बिल्कुल यहाँ पे एंट्री टाइम से इजीली किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल टाइमली इस स्पॉट से निकल के जाएंगे, डैमेज जरूर यहाँ पे डील करेंगे। सात टीम्स 21 पे अभी भी लाए, दो सर्कल ही अभी तक कटे तो और टीम्स यहाँ पे बिल्कुल कम थी। डेट्स वाई इनिशियली यहाँ पे फाइट्स हमें देखने को मिली। मोस्टली अगर हम एक बार टर्न ऑफ द हीट की तरफ यहाँ पे चलेंगे तो वहाँ पे 76-24 एच डी बाई पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे। तो स्कैरेड यहाँ पे के साथ में गैंगस्टर की बात रोर को भी यहां पे डाउन किया जाएगा। दो नॉकआउट यहां पे स्कैरी डील करते हुए नजर आएंगे। ऑक्सी की अगर बात करें, ऑक्सी बैक साइड यहां पे बिल्कुल पिक किए जा सकते हैं। ऑक्सी के सामने बिल्कुल यहां पे टीम एक और हमें देखने को मिलेगी और कुछ यहां पे कंफर्म आयुष मास्टर यहां पे कंफर्म हंटर की तरफ से टीएमडी स्टार्टर यहां पे पूरा कंफर्म कर दिए जाएंगे। डेविल की अगर हम बात करें, डेविल की तरफ यहां पे 70 एसके के स्लैमन यहां पे जरूर देखने को मिलता हुआ हल्का सा पीछे कवर की तरफ यहां पे जाने की पूरी कोशिश की। ऑक्सी की अगर हम बात करें यहां पे डेविल की तरफ से शॉट जरूर दिए जाएंगे लेकिन 70 यहां पे फुलमैन स्क्वाड की तरफ काम करेगी यहाँ पे कंफर्म करेगी। ऑक्सी अकेले बचे, ऑक्सी पे यहाँ पे फजर की शॉट दिए जाएंगे लेकिन बैक एंड यहाँ पे ओस्लो की तरफ से इन्हें पिक किया जाएगा, कंफर्म यहाँ पे किया जाएगा। तो अभी भी दो टीम्स यहाँ पे स्पॉट पे देखने को मिलेंगे। 70s यहाँ पे एक फाइट जरूर निकाली, चार माफ कीजिएगा सात फिनिश पॉइंट अभी तक 70s के पास जरूर रहने वाले। अगर एनडब्ल्यू फिनिक्स की बात करें तो यहाँ पे टीम टर्न ऑफ द हीट भी क्लोज नहीं करेगी लेकिन सामने ऑर्गस की तरफ से यहाँ पे ओस्लो पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा। ओस्लो यहाँ पे डाउन किए जाएंगे और फजर की बात करते हैं बिल्कुल हल्का सा पीछे की तरफ से अब यहाँ पे ऑर्गस एक क्लोज इन जरूर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा बिल्कुल हैकर भाई की बात करें तो एक UMP 45 के साथ ये सामने की तरफ जरूर जाएंगे। ऑस्को बिल्कुल यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, बूस्टअप करते हुए जरूर नजर आएंगे। सामने बिल्कुल यहाँ पे डैमेज जरूर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑस्को की बात करें, यहाँ पे ऑस्लो को एक बार फिर से डाउन किया जाएगा और कुछ जो बिल्कुल पूरा पीछे की तरफ यहाँ पे गोल्डन कर चुके हैं, एक और नॉकआउट यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हैकर भाई जो बिल्कुल यहाँ पे इसी स्पॉट पे और कुछ यहाँ पे फजर को भी डाउन करेंगे। दो नॉकआउट यहाँ पे और कुछ की तरफ से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे रिटेलिएशन में डैमेज जरूर डील किया जाएगा लेकिन यहाँ पे बूस्टअप होते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर एनडब्ल्यू की तरफ चलते हैं तो ये अपने स्पॉट पर यहाँ पे जरूर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। अच्छा बिल्कुल यहाँ पे सामने अगर बात करें हैकर भाई, यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे हैकर भाई की तरफ से, यहाँ पे स्टॉक को डाउन जरूर किया जाएगा। सामने हल्का सा ओपन में निकल के जाएंगे लेकिन यहाँ पे डाउन किया जाएंगे। तो अब यहाँ पे फिनिक्स अकेले बचे फिनिश करने के लिए जाएंगे लेकिन बैक एंड यहाँ पे फिनिक्स को भी पिक किया जाएगा, कन्फर्म यहाँ पे किया जाएगा। 70s यहाँ पे 11वां फिनिश पॉइंट लेके जाते हुए दो नॉकआउट यहाँ पे जरूर डील किए गए थे लेकिन यहाँ पे दोनों प्लेयर्स पे अभी के लिए रिवाइवल जरूर मिलता हुआ। तो चार टीम्स 12 प्लेयर अभी भी यहाँ पे लाइव इस मैच में। 13 मिनट हमारे मैच को हुए तो कुछ गजब की फाइट्स हमें देखने को मिली। 4F स्काई की बात करें टू मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे टीम 70s यहाँ पे जरूर, साथ में साहिल की बात करें तो साहिल यहाँ पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे। आज लॉर्ड को यहाँ पे डाउन किया जाएगा, लॉर्ड यहाँ पे डाउन की तरफ यहाँ पे एक और नॉकआउट हमें देखने को मिलता है। अभी भी अकेले यहाँ पे ड्रैगन बचे हुए, ड्रैगन यहाँ पे स्टाइल को नॉक इन फिनिश करते हुए जरूर नजर आएंगे। सामने बिल्कुल अब देखना पड़ेगा बिल्कुल एक और प्लेयर फोल्ड करेंगे, एक और नॉकआउट यहाँ पे जैद को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। जैद को भी यहाँ पे ड्रैगन की तरफ से पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हंटर वहाँ पे आर टू एफ लॉर्ड का फिनिश पॉइंट जरूर सिक्योर करेंगे। दानू अकेले अपनी टीम से बचे हुए, फाइनल चार टीम्स 4v2v1v1 का ये सिनेरियो यहाँ पे जरूर रहने वाला। अच्छा बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे दानू की तरफ से ड्रैगन को स्पॉट किया जाएगा, कंफर्म यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म होते हुए नजर आएंगे। फोर फूल्स अभी भी टू मैन स्क्वाड के साथ। 70s की अगर हम बात करें तो 70s बिल्कुल यहाँ पे बूट कैंप एरिया की तरफ जरूर रहेगी। साथ में अगर बाकी दो टीम्स की बात करें तो ये लोग बिल्कुल फाइनल किए बिल्कुल साथ में जरूर होल्ड करते हुए नजर आएंगे।
जी हाँ, दानों के सामने अभी भी 4F स्काई, साथ में 4F हंटर यहाँ पे रहेंगे, टू मैन स्क्वाड के साथ 4 फूल्स की टीम। दानों यहाँ पे अकेले अपनी टीम से बचे हुए, साथ में अगर 7DS की बात करें तो 7DS बिल्कुल फुल मैन स्क्वाड के साथ अभी के लिए यहाँ पे हॉट फेवरेट्स यहाँ पे देखने को मिलती हुई इस मैच को जीतने के लिए 11 फिनिश पॉइंट अभी तक निकाल चुके हैं। वहाँ पे 5 फिनिश पॉइंट H2SO4 के रहने वाले गैंगस्टर एक फिनिश के साथ, स्टार के 3 पॉइंट फिनिश पॉइंट, साथ में ऑर्कस की बात करें तो ऑर्कस के भी 2 फिनिश पॉइंट ज़रूर रहने वाले। जी हाँ बिल्कुल, स्काई दानू दोनों टीम्स अपना स्पॉट यहाँ पे होल्ड किए हुए बैक एंड। अगर 7DS की बात करें तो 7DS अब यहाँ पे बिल्कुल क्लोज इन करती हुई नज़र आ सकती है। 4v2v1 का ये एंड का हमारा सिनेरियो रहने वाला। अब देखना पड़ेगा 7DS से कब तक यहाँ पे ढूंढ पाएगी कि टीम कहाँ पे रहने वाली। स्टार्क यहाँ पे बिल्कुल ये भी ओपन में निकल चुके हैं, गैंगस्टर यहाँ पे जरूर इनके साथ रहेंगे। अब देखना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, सर्कल वहाँ पे कट चुका है तो नज़दीक यहाँ पे पाएंगे इनके, बिल्कुल ये नियर टू ज़रूर रहेंगे। तो जल्दी यहाँ पे एक और फाइट हमें देखने को मिलेगी, फुल एग्रेशन यहाँ पे आज 7DS का हमें देखने को मिला। 11 फिनिश पॉइंट अभी तक निकाल चुके हैं। दानों की बात करें बिल्कुल यहाँ पे होल्ड एक जरूर देखने को मिलता हुआ, साथ में 4F स्काई यहाँ पे 4F हंटर भी टू मैन स्क्वाड के साथ अभी भी इस मैच में जुड़े हुए, 3 फिनिश पॉइंट यहाँ पे हंटर के हमें जरूर देखने को मिले। साथ में अगर दानों की बात करें तो यहाँ पे दानों को आई गेस बिल्कुल स्काई की तरफ से जरूर पिक किया जाएगा, शॉट्स यहाँ पे इनकी तरफ से जरूर दिए जाएंगे लेकिन टाइमली वहाँ पे कवर में जरूर जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे स्काई बिल्कुल निकल चुके हैं, यहाँ पे स्लैम इनकी तरफ से जरूर किया जाएगा दानों की तरफ। दानों यहाँ पे अभी तक पूरी टीम की बात करें तो 5 फिनिश पॉइंट जरूर निकाल चुकी है, तो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो अकेले दानों के 3 फिनिश पॉइंट जरूर रहने वाले। अभी अब बैक एंड अगर 7DS की बात करें, जी बिल्कुल 7DS अभी के लिए क्लोज इन कर चुकी है, और किस यहाँ पे स्टॉक के साथ बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ पे स्कोप इन जरूर किया जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल 2 टीम जरूर रहेंगी टू मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे रहने वाली। दानों की अगर हम बात करें, दानों यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे, सामने दानों का देखना पड़ेगा, बिल्कुल स्विच किया जाएगा गन पे, लेकिन यहाँ पे हंटर कंफर्म करेंगे दानों को। यहाँ पे कंफर्म करते तो एक नॉकआउट यहाँ पे जरूर डील किया था 4 फूल्स ने, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हंटर पे एक रिवाइवल जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। सामने 7DS बिल्कुल अब क्लोज इन कर चुकी है, 4v2 की एंड की फाइट रहने वाली, स्काई को जल्दी यहाँ पे बूस्टअप करना पड़ेगा, एक फर्स्ट एड किट यहाँ पे जरूर इनके पास रहेगी। साथ में हंटर की अगर हम बात करें, हंटर को भी जरूर यहाँ पे बूस्टअप करना पड़ेगा। 4v2 यहाँ पे बचा हुआ, और कस बिल्कुल यहाँ पे अंधाधुन यहाँ पे अभी के लिए निकल चुके हैं सामने की तरफ। बिल्कुल यहाँ पे मंथ का आखिरी मैच तो यहाँ पे 7DS बिल्कुल एक हाई नोट पे बिल्कुल जहां पे टीम रहने वाली थी उसी स्पॉट की तरफ ये लोग जाएंगे, कंफर्म यहां पे किया जाएगा। तो 7DS यहां पे 13 फिनिश पॉइंट के साथ चिकन नजर लेके जाएगी। सेकंड स्पॉट यहां पे 4 फूल के पास हंटर के 4 फिनिश पॉइंट, थर्ड स्पॉट पे यहां पे वन एम्पायर हमें जरूर देखने को मिलती है। वन एम्पायर की अगर हम बात करें तो इनकी तरफ से 5 फिनिश पॉइंट हमें जरूर देखने को मिले। और तो यहाँ बिल्कुल बात करें, मंथ हमारा अभी के लिए पूरा कंप्लीट होता हुआ, तो इंशाल्लाह कल से हमारा नेक्स्ट मंथ यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मैच की तरफ चलेंगे, गोइंग ऑल आउट 7DS H2SO4। तो यहाँ पे 5 फिनिश से बेस्ट कैंपेन यहाँ पे 2 रिवाइवल के साथ H2SO4 के साथ में फिनिशर की बात करें तो शेयर डोमिनेंस यहाँ पे जरूर हमें 7DS की देखने को मिली, स्टार्ट यहाँ पे और फिनिशर का रोल जरूर लेके जाते हुए नजर आएंगे। तो जहाँ बिल्कुल T2 के मैच सभी के लिए हमारे कंप्लीट होते हुए तो T3 अब यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। तब तक जो लोग स्ट्रीम पे जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं फिर जुड़ते हैं हम आप लोगों के साथ।
सो गाइस वेलकम बैक अगेन। तो T3 का पहला मैच अभी के लिए शुरू हो चुका है। टोटल 14 टीम्स यहाँ पे इस मैच में रहेंगी, 54 प्लेयर्स यहाँ पे रेंगल का ये मैच रहने वाला। यहाँ पे अगर प्लेन पाथ की हम बात करें तो प्लेन पाथ हमारा शूटिंग रेंज जर्की की तरफ से शुरू होता हुआ, साथ में रोजो का एरिया रहेगा, यस्नाया यहाँ पे, मैंशन प्रिजन और एंड यहाँ पे नियर टू मिल्टा पावर की तरफ से हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हुए हैं तो सबका वेलकम एक बार, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंपीरियल टाइटन्स अभी के लिए निकल चुके हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ, रूमी 127 यहाँ पे ज़रूर इनके साथ रहेंगे। बाकी अगर बात हम यहाँ पे करें टीम्स की तो यहाँ पे उमर एक्स हनान यहाँ पे ये लोग थ्री मैन स्क्वाड के साथ एक भी राइगेस इनके अलग हमें देखने को मिल रहे। R2F RG विंटॉक्स यहाँ पे RG लाइट की टीम देखने को मिलती हुई। अनान की अगर हम बात करें तो अभी के लिए लैंड यहाँ पे अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ ये यहाँ से ज़रूर जाते हैं। उसके साथ में डिफेंडर की टीम भी यहाँ पे रहेगी, टीम नूर यहाँ पे देखने को मिलती हुई फुल मैन स्क्वाड के साथ, डेडमैन हबीब यहाँ पे इनके साथ अगर ग्राउंड की बात करें तो RG माजिद यहाँ पे शायद, तो RG ऑफिशियल्स यहाँ पे इस मैच में हमारे साथ ज़रूर जुड़े हुए। जी बिल्कुल, ग्लाइड करके टीम यहाँ पे कंपाउंड्स की तरफ ज़रूर जाती हुई, यहाँ पे पार्ट्स के एरिया की तरफ ये टीम जाएगी। इसी स्पॉट की तरफ यहाँ पे एक और टीम अभी के लिए आप पहुँची, तो फुल भगदड़ यहाँ पे मच चुके हैं क्योंकि तीन चार टीम शायद बिल्कुल जंप करके यहाँ से निकल के जाना चाहेंगे। हनान वहाँ पे डेड मैन पे एक नॉकआउट निकालेंगे। हनान की बात कराइए यहाँ पे 5-6 टीम बिल्कुल इसी स्पॉट की तरफ आ पहुँचे। भाई यहाँ पे कुछ गजब सीन हमें देखने को मिलता है, हनान वहाँ पे डेड मैन को कन्फर्म करेंगे। तो पार्ट्स की अगर हम बात करें आप देख सकते हैं भाई कुछ अलग ही सीन यहाँ पे, सैम यहाँ पे डाउन किए जाएंगे लिन एक्स की तरफ से, यहां पे सैम को बिल्कुल कंफर्म करने के लिए जाएंगे, बिल्कुल एक शॉटगन का शॉट जाएगा, सैम यहां पे कंफर्म कर दिए जाएंगे। उमर एक्स यहां पे दो फिनिश पॉइंट ये टीम निकाल चुकी है। आज की अगर हम बात करें विंटॉक्स यहां पे निकल के जाएंगे, मुनाजिर कोई लूट यहां पे किसी टीम के पास नहीं, बिल्कुल पिस्टल्स का यूज। तो पांच टीम्स माफ कीजिएगा यहां पे। डिफेंडर की बात करें टीम नूर भी इसी स्पॉट पे देखने को, साथ में वसीम तो ये लोग भी स्कूल के एरिया की तरफ रहेंगे। यहां पे अगर लूसिफर की बात करें तो ये भी हल्का सा पीछे रोजो एरिया की तरफ हमें जरूर देखने को मिलते हुए, एक कैजुअलिटी यहां पे टीम जरूर डील कर चुके। साथ में क्यास की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा माजिद भाई की तरफ चलेंगे, माजिद शाहिद यहां पे रिहान। तो अभी के लिए नदीम कादिर की बात करें, फेड पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा, RG फेड यहां पे डाउन किए जाएंगे, मुनाजिर भी यहां पे डाउन किए जाएंगे, दो नॉकआउट्स विंटॉक्स का देखना पड़ेगा। नदीम कादिर को यहां पे हनान की तरफ से डाउन किया जाएगा, तो इनिशियली यहां पे दो नॉकआउट्स टीम जरूर डील करती हुई नजर आएगी। और विंटॉक्स की अगर हम बात करें, विंटॉक्स यहां पे बिल्कुल हाफ हेल्थ पे निकल के जाएंगे, लेकिन अभी के लिए विंटॉक्स भी पिक किए जाएंगे। यहां पे टाइम लिप देखना पड़ेगा, बिल्कुल रिवाइवल फेड पे जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा। अच्छा बिल्कुल, नूर की अगर बात करें टीम नूर भी थ्री मैन स्क्वाड के साथ अभी भी यहाँ पर रहेगी, एक शॉटगन यहाँ पे डिफेंडर के पास। बिल्कुल इस स्क्वाड की जो पांच टीम्स रहने वाली, तो इनका अलग ही कुछ सीन हमें देखने को मिल रहा, बिल्कुल पार्ट्स की तरफ पांच टीम्स का इनिशियली यहाँ पे आना। अगर पहले की हम बात करें मोस्टली इस मैच में हमें RG की टीम एक पार्ट्स की तरफ देखने को मिलती थी, साथ में कभी कभी K40 यहाँ पे आती थी, लेकिन इस मैच में बिल्कुल पांच टीम्स आ पहुँची। तो यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे बूम बाम हमें इनिशियली जरूर देखने को मिला। RG रिहान की तरफ चलते हैं तो एक यहाँ पे गन इनके पास से जरूर देखने में, शायद यहाँ पे बाइजन के साथ रहेंगे। टॉप की तरफ यहाँ पे इनके सामने उमर एक्स रहेंगे, हनान यहाँ पे इनके साथ बिल्कुल सीढ़ियों पे, यहाँ पे इनिशियली फुल यहाँ पे फाइट्स का सीन शुरू हो चुका है। आदिल बशीर हमारे साथ जुड़े, माई टीम नूर, तो बिल्कुल नूर की टीम भी आपको यहाँ पे देखने को, डाउन की तरफ एक नेड यहाँ पे जरूर जाएगा। नेड की अगर हम बात करें तो डैमेज अभी तक हमें देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, RG माजिद यहाँ पे M4 के साथ जरूर देखने को मिलते हुए। अगर वहाँ पे मोटल की बात करें तो डेडलॉक पे भी एक नॉकआउट निकाला जाएगा, मोटल वहाँ पे डेडलॉक को पूरा फिनिश करेंगे। यहाँ पे एक शॉटगन का शॉट जाएगा, फेड को यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा, फेड भी यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए। तो एक टीम यहाँ से इस मैच से हमारी फिनिश होकर जरूर जाती है। सामने अगर बात करें, माजिद यहाँ पे शॉट देंगे, माजिद यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे, हनान वहाँ पे वसीम पे नॉक, हनान वहाँ पे वसीम को पूरा कन्फर्म करते हुए, मोटल वहाँ पे हनान को भी अभी के लिए जरूर डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हनान की तरफ हम चलेंगे, उमर एक बिल्कुल के साथ रहेंगे, ये दो फिर यहाँ पे दो नॉकआउट टीम जरूर डील कर चुकी है, रिवाइवल यहां पे जरूर देखने को मिलता हुआ। जी बिल्कुल, सामने की तरफ अगर हम बात करें, नईम यहाँ पे क्लोज इन कर चुके हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ यहाँ पे इमोट्स का हमें यूज जरूर देखने को मिलता हुआ। हनान की अगर हम बात करें तो अब देखना पड़ेगा, बिल्कुल कंधों पे उठा लिया जा चुका है हनान को, यहाँ पे कंफर्म होने की कगार पे जरूर हनान पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, गजब का सीन यहाँ पे हनान के साथ रहेगा। अभी के लिए हनान को यहाँ पे सोल मॉडल यू की तरफ से कंफर्म कर दिया जाएगा। तो टू मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे नईम की बात करें, नईम यहाँ पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, हबीब पे एक नॉकआउट, यहाँ पे हबीब को यहाँ पे पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा टू मैन स्क्वाड के साथ।
अभी भी यहाँ पे ये टीम हमें जरूर देखने को। क्या बिल्कुल नेक्स्ट की बात करें, रिहान पे एक नॉकआउट शायद भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। माजिद की बात करें, माजिद यहाँ पे बिल्कुल एक फिनिश पॉइंट स्कोर करते हुए जरूर नजरेंगे। क्या बिल्कुल दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे माजिद की तरफ से कंफर्म कर दिया जाएगा, लिनक्स भी यहाँ पे कंफर्म कर दिए जाएंगे। माजिद की अगर हम बात करें तो गजब लेवल का हमें बचाव अपनी टीम के लिए देखने को मिलता है। दो प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश इनकी तरफ से किए जाएंगे, दो प्लेयर्स जो इनके डाउन थे उन पे भी यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिलेगा। टीम नूर की बात करें तो डिफेंडर यहाँ पे अकेले अपनी टीम से बचे हुए, सामने डिफेंडर के एक स्लैम यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा नईम कादिर सामने। अगर ग्राउंड की बात करें तो अभिषेक ये लोग भी इसी स्पॉट की तरफ हल्का सा पीछे की तरफ रोजो की तरफ लैंड किया था, अभी के लिए इनकी भी एंट्री हमें देखने को मिली। साथ में अगर नदीम कादिर की बात करें तो डिफेंडर को इनकी तरफ से पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। आज ही कब देखना पड़ेगा, बिल्कुल बूस्ट अप यहाँ पे जरूर टीम होती हुई नजर आएगी। सामने ग्राउंड में यहाँ पे नईम कादिर, सोल मोटल, नदीम ये लोग बिल्कुल थ्री मैन स्क्वाड के साथ रहेंगे। बैकन अगर बॉट किलर्स की बात करें तो बॉट किलर्स भी यहाँ पे क्लोज इन करती हुई जरूर नजर आ सकती है। तो यहाँ पे एक बार टीम 4F कोकेन, टीम टाइटंस की तरफ हम चलेंगे। 4F कोकेन नॉट डेथ नोट रेक्ट यहाँ पे शाहिद मीर के साथ ये लोग देखने को मिलेंगे। फुल मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे टीम एक सेफ स्पॉट की तरफ अभी के लिए जरूर रहने वाली। वहीं अगर ग्रिम रीपर्स की बात करें, मुदस्सिर यहाँ पे बाइजन के साथ, आरडीएक्स वाईटी नासिर साथ में, 9S काला मॉडल का एक नेट जाएगा। इस नेट के साथ यहां पे दो प्लेयर डाउन, एक बार फिर से माजिद के कंधे में पूरी जिम्मेदारी, लेकिन अभी के लिए माजिद को भी यहां पे कंफर्म कर दिया जाएगा। टीम यहां पे फाइट निकालती हुई बात अगर यहां पे करें तो अब देखना पड़ेगा कितने फिनिश पॉइंट अभी तक यहां से नईम जी, बिल्कुल 9 फिनिश पॉइंट यहां पे अर्ली ऑन द स्टेज, अर्ली फाइट में यहां पे इनकी तरफ से जरूर निकाले जा चुके हैं। वसीम यहां पे जरूर कंफर्म हो चुके हैं, थ्री मैन स्क्वाड के साथ टीम भी यहां पे जरूर रहने वाली। तो एक बार कंफर्म टीम्स की बात करें, आरजी लाइट यहां पे कंफर्म, ओमर पीएसएक्स लिनक्स यहां पे ये लोग भी कंफर्म हो चुके हैं, साथ में डिफेंडर ये लोग भी कंफर्म हो चुके हैं, आरजी माजिद तो इनकी टीम भी बिल्कुल दो फिनिश पॉइंट माजिद के हमें जरूर देखने को मिले, कि इंप्रेसिव सेव यहां पे हमें जरूर देखने को मिला था। अच्छा बिल्कुल मोजिन वाइटी की बात करें, थ्री मैन स्क्वाड के साथ इंपीरियल टाइटंस की टीम यहाँ पे जरूर रहेगी। रूमी यहाँ पे इनके साथ देखने को मिलेंगे। साथ में अगर डीजी की बात करें तो डीजी बिल्कुल फुल मैन स्क्वाड के साथ, नू विचर डीजी फ्लिक ओपी यहाँ पे जरूर देखने को मिलते हुए। साथ में स्पार्टन्स की बात करें तो यहाँ पे स्काई लाइन सेन ला वाइपर टीडीए मर्डर यहाँ पे जरूर इनके साथ, थ्री मैन स्क्वाड के साथ ग्राउंड में बिल्कुल सिविल स्पोर्ट की। अगर लूसीफर की बात करें, एक नेट यहाँ पे लूसीफर का जाएगा, इस नेट के साथ यहाँ पे सोल मॉडल पे एक नॉकआउट जरूर जाएगा। क्या बिल्कुल अगर मोटल यहाँ पे डाउन, नदीम कादर यहाँ पे रिटेलिशन में शॉट्स जरूर देते हुए नजर आएंगे। की बात करें, नदीम अभी के लिए एक नॉकआउट, लूसीफर 77 को यहाँ पे डाउन जरूर करेंगे, एक नॉकआउट यहाँ पे टीम जरूर डील करेगी। अभिषेक बिल्कुल यहाँ पे क्लोज इन कर चुके हैं, ब्रायन यहाँ पे जरूर के साथ रहेंगे। अब यहाँ पे अगर बैड बॉय की बात करें, बैड बॉय यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, दो नॉकआउट यहाँ पे लूसीफर भी, ब्रायन को जल्दी यहाँ पे क्लोज इन करना पड़ेगा। नदीम कादर वहाँ पे अभिषेक को भी डाउन करते हुए अकेले यहाँ पे ब्रायन 16 बचे हुए नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, सामने अगर नईम की बात करें तो यहाँ पे नदीम जो डाउन थे रिवाइवल यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे अभिषेक की अगर हम बात करते हैं, इसलिए बिल्कुल अभिषेक को कंधों पे यहाँ पे उठा लिया जा चुका है नदीम कादिर की तरफ से। ब्रायन की अगर हम बात करें, ब्रायन यहाँ पे शॉट देंगे, ब्रायन भी बिल्कुल दिक्कतों में, हाथ में जंप करके बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे। अपार्टमेंट फुल यहाँ पे घमासान मचा हुआ, लगभग 700-800 टीम्स यहाँ पे इसी स्पॉट की तरफ आ चुके हैं। बिल्कुल एक नॉकआउट निकाला, फिनिश के लिए जाना चाहेंगे, फिश के साथ यहाँ पे कन्फर्म करने की कोशिश। जानते हैं ब्रायन की हेल्थ यहाँ पे डाउन रहने वाली, ब्रायन को यहाँ पे कन्फर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, 13वां फिनिश पॉइंट सोल मॉडल नईम ये लोग जरूर लेके जाएंगे। तो कंपाउंड से अगर अपार्ट्स की हम बात करें तो लगभग 6 टीम्स तो इनिशियली यहां पे लैंड की थी, उसके बाद सीन ये हुआ कि एक थर्ड पार्टी भी हमें जरूर, फोर्थ पार्टी, सेवंथ पार्टी हमें देखने को मिली। अलग ही सीन यहां पे अपार्ट्स के एरिया में हमें जरूर देखने को मिले। दो प्लेयर यहां पे जरूर कंफर्म हो चुके हैं, सोल मॉडल नईम बिल्कुल टू मैन स्क्वाड के साथ अभी के लिए टीम यहां पे जरूर रहने वाली। जी हाँ, ग्रिम रीपर्स की बात करें तो अभी के लिए बिल्कुल फुल मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे टीम रहने वाली। साथ में सिविल स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं तो सीएस ब्लड एक्स, टॉक्सिक ओपी, फोरी लॉस्ट बाय नॉट साकिब यहाँ पे इनके साथ रहेंगे। फुल मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे ये टीम भी रहने वाली। न्यूट्रल यहाँ पे टीजीएक्स, हैदीस, कोबरा, केजी, अलद इनके साथ फुल मैन स्क्वाड के साथ रहेंगे। साथ में अगर क्यास की बात करें, एनएक्सटी रिफा, क्यास यासिर, एनएक्सटी क्यास नदीम, साथ में एनएक्सटी साकिब भी जरूर रहने वाले। स्पार्टन्स फुल मैन स्क्वाड के साथ रहेंगे। साथ में डीजी की बात करें तो डीजी भी फुल मैन स्क्वाड के साथ इस मैच में जुड़ी हुई। तो एक बार सर्कल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सर्कल हमारा कट चुका है, ब्लू जोन भी बिल्कुल साथ में श्री गिरोना शुरू हो चुका है।
जी हाँ बिल्कुल, 9 टीम्स अभी भी इस मैच में अलाउड, टोटल 33 प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले। बात हम कर रहे थे NXT की, NXT क्या यहाँ पे सामने इनके एक टीम जरूर हमें देखने को मिल रही, न्यूट्रल यहाँ पे बिल्कुल इसी स्पॉट की तरफ बिल्कुल दूसरे साइड जरूर रहेंगे, तो ये लोग भी हमें क्लोज इन करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। कोबरा बिल्कुल अभी के लिए सोल मॉडल की बात करें, वहाँ पे DG माफिया पे भी एक नॉकआउट निकाला जाएगा। तो आज के अगर हम आखिरी मैच की बात करें, कुछ अलग लेवल की तरह से यहाँ पे टीम टपाटप यहाँ पे खेलती हुई नजर आएगी, एक नॉकआउट यहाँ पे निकाला जा सकता है। सामने अब देखना पड़ेगा बिल्कुल, यहाँ पे विचर भी क्लोज इन कर चुके हैं, 2v4 का ये सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ, शॉट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, विचर यहाँ पे नहीं पे एक नॉकआउट निकालेंगे, यहाँ पे सोल मॉडल को भी कन्फर्म किया जाएगा। तो 13 फिनिश की स्ट्रीक अभी के लिए यहाँ पे कन्फर्म होती हुई नजर आएगी, तो दूसरा फिनिश पॉइंट यहाँ पे डार्क गेमिंग जरूर लेके जाएगी। तो एक बार कन्फर्म टीम की तरफ हम जरूर चलेंगे, RG फेड यहाँ पे विदाउट एनी फिनिश पॉइंट इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। साथ में अगर हनान टीम फोरमैन बॉडेक्स की बात करें, 4 फिनिश पॉइंट के साथ ये टीम भी फिनिश हो चुकी है। बैड बॉय यहाँ पे स्पार्टन बॉट किलर्स की टीम 1 फिनिश पॉइंट के साथ इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। साथ में अगर नदीम कादर इनकी तरफ हम चलेंगे, टीम टपाटप, तो यहाँ पे इनकी तरफ से 13 फिनिश हमें देखने को मिले, नदीम कादर के साथ फिनिश है, मॉडल 5 फिनिश के साथ अभी के लिए टीम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। साथ में नूर की टीम 1 फिनिश पॉइंट के साथ इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। आज यहाँ पे माजिद 2 फिनिश पॉइंट के साथ पूरी टीम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। बिल्कुल 8 टीम्स अभी भी लाइव, टोटल 31 प्लेयर यहाँ पे। सर्कल बिल्कुल हमारा पहला श्रिंकिंग होना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे दूसरा सर्कल हमारा कटने जा रहा है। वहाँ पे न्यूट्रल की बात करें, क्या नदीम पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा, नदीम जो बिल्कुल आउट ऑफ सर्कल यहाँ पे रहने वाले। यासिर का आप देखना पड़ेगा, यासिर बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग की फाइट, दोनों साइड से शॉट दिए जाएंगे, लेकिन यासिर यहाँ पे निचली डैमेज डील करेंगे, यासिर को जल्दी कवर में भी जाना पड़ेगा। कोबरा यहाँ पे नदीम को पूरा कन्फर्म करेंगे, तो क्या नदीम यहाँ पे अर्ली स्टेज में बिल्कुल फिनिश होते। साथ में साकिब की बात करें, बिल्कुल टैप शॉट के साथ साकिब सामने तरफ एक नॉकआउट निकालेंगे, यहाँ पे फिनिश करने की पूरी कोशिश रहेगी साकिब की। वहां पे जब कोबरा की तरफ चलते हैं, तो कोबरा भी बिल्कुल पीछे की साइड यहाँ पे आ जाएगा, साकिब वहां पे KG अलादीन को पूरा कंफर्म करेंगे। तो एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे KG की जरूर लेके जाती है। साथ में अगर क्यास की बात करें, तो एक फिनिश पॉइंट के साथ बिल्कुल यहाँ पे साकिब सामने की तरफ यहाँ पे शॉट से जरूर देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, कोबरा अभी के लिए यहाँ पे बूस्ट अप जरूर करेंगे। न्यूट्रल की बात करें, स्मोक की आड़ में स्पॉट से जरूर निकल के जाने की इनकी कोशिश रहेगी। वहीं अगर यासिर की बात करें, तो दोनों टीम से बिल्कुल सर्कल के अंदर, माफी चाहिए, सर्कल के बाहर यहाँ पे इस फाइट को ले रही, 2223 मीटर यहाँ पे प्लीज उनके अंदर निकलना पड़ेगा। सामने एक 3-व्हीलर भी जरूर रहने वाला, यासिर प्रॉब्ली यहाँ पे 3-व्हीलर लेके इस फाइट से डिसंगेज करके प्लीज उनको प्रायोरिटी देते हुए जरूर नजर आएंगे। यहाँ पे सर्कल की बात करें, तो दूसरा सर्कल हमारा मेंशन शेल्टर प्रिजन फार्म मिल्टा पावर और नोवो कैरियर यहाँ पे बिल्कुल प्लीज उनके अंदर रहेगा। तो टीम्स अभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल प्ले जोन के अंदर जरूर जाते हुए नजर आएंगे। सामने अगर यासिर की बात करें, तो अभी के लिए बैक साइड यहाँ पे न्यूट्रल बिल्कुल क्लोज इन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, न्यूट्रल स्पॉट से जरूर निकल के जाते हुए नजर आएंगे। न्यूट्रल का आप देखना पड़ेगा जल्दी, यहाँ पे इनको व्हीकल्स की नीड रहने वाली, नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल दिक्कतें हो सकती हैं। स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। 8 टीम्स अभी भी अलाइव, तो 29 प्लेयर अभी भी इस मैच में हमारे साथ जुड़े। तो एक बार फोर कोगिन की तरफ यहाँ पे चलेंगे, नॉट डेथ नोट रेक यहाँ पे शाहिद मीर के साथ, फुल मैन स्क्वाड के साथ टीम अभी के लिए प्लेज़ोन के अंदर जरूर जा पहुंची। मिल्टा की तरफ पे यहाँ पे ये टीम हमें देखने को मिलेगी। सामने बिल्कुल 2 ड्रॉप्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस ड्रॉप की बात करें, तो यहाँ पे पहले ही भाई कोई टीम पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, स्पार्टन्स की टीम यहाँ पे लूट करती हुई नजर आएगी, इनसेन वाइपर बिल्कुल अच्छी लूट यहाँ पे जरूर मिलेगी इन्हें। साथ में अगर एयर ड्रॉप नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं, तो ये तो भाई पहले ही लूटा हुआ नजर आ रहा। जी बिल्कुल, दोनों ड्रॉप्स यहाँ पे लूटे जा चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा इस ड्रॉप के सामने अभी भी लॉक की टीम, स्पार्टन्स की टीम यहाँ पे रहेगी। तो दोनों ड्रॉप यहाँ पे स्पार्टन्स की टीम की तरफ से लूटे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी मर्डर यहाँ पे AKM के साथ रहेंगे। स्काई की अगर हम बात करें, एक डासिया लेके जरूर निकल के जाएंगे। सर्कल के बिल्कुल अंदर यहाँ पे स्पार्टन्स की टीम आ चुकी है। बैकेंड अगर किया उसकी बात करें, तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे ये दोनों टीम्स आउट ऑफ सर्कल रहने वाली। यहाँ पे इन लोगों को देखना पड़ेगा, आई गेस न्यूट्रल भी बिल्कुल यहाँ पे इनके सामने रहने वाले, तो दिक्कत यहाँ पे जरूर बढ़ सकती है। यासिर की अगर हम बात करें, यासिर अब यहाँ पे अपना 3-व्हीलर लेके स्पॉट से जरूर निकल के प्लीज उनके अंदर जाते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर साकिब की बात करें, साकिब बिल्कुल पीछे भी नजरें जमाए हुए, लेकिन नजरें यहां पे बिल्कुल इनकी बंद कर दी जा सकती हैं, क्योंकि न्यूट्रल यहां पे इसी स्पॉट की तरफ बिल्कुल होल्ड करते हुए नजर आएंगे। सामने की तरफ से यहां पे क्या जरूर निकल के जाएगी, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी शॉट नहीं दिए जाएंगे। टॉक्सिक की बात करें, वहां पे DG माफिया पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा, लॉस्ट पर यहां पे माफिया को पूरा फिनिश करते हुए नजर आएंगे। तो डार्क गेमिंग अब यहां पे 3-मैन स्क्वाड के साथ रहेगी, 3v4 की फाइट है। नूव विचर यहां पे जरूर इनके सामने बिल्कुल टॉप की तरफ, तो RB बिल्कुल ब्लास्ट कर दी जा चुकी है। कैप शॉट यहाँ पे जरूर दिए जा रहे हैं, अब देखना पड़ेगा। और टॉक्सिक स्पोर्ट्स बिल्कुल इसी स्पॉट पे अभी के लिए रिच कैरियर जरूर होल्ड करते हुए नजर आएगी।
बिल्कुल दो फिनिश पॉइंट यहाँ पे न्यू विचर के हमें जरूर देखने को मिलते हैं। साथ में टॉक्सिक की बात करें तो एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे ये भी निकाल चुके हैं डीजी माफिया ओपी यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुके हैं। लास्ट बाइक की अगर हम बात करें हल्का सा ओपन में जरूर थे शॉर्ट यहाँ पे इनपे जरूर दिए गए थे, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल उनकी जितनी भी गाड़ी है सब कुछ लॉस्ट करने की कोशिश रहेगी, लेकिन साकिब के पास एक और बगी अभी के लिए जरूर रहने वाली। सामने अगर देखना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पे टैप शॉट दोनों साइड से यहाँ पे दिए जा रहे। 21 सेकंड 20 सेकंड के बाद यहाँ पे हमारा सर्कल श्रिंकिंग होना शुरू हो जाएगा, तो आउट ऑफ सर्कल जो टीम्स रहने वाली न्यूट्रल अभी भी यहाँ पे प्ले जोन के बाहर, बाकी के दो प्लेयर आई गेस निकल के प्ले जोन के अंदर जरूर जा पहुंचे, लेकिन ने भी 2305 मीटर प्ले जोन के अंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल शायद मीर की बात करें तो एक नॉकआउट लाइन सेन पे जरूर निकाला जाएगा सामने अब स्पार्टन्स के साथ, बिल्कुल लाइन सेन को कंफर्म, लेकिन रिटेलिएशन में यहाँ पे स्काई एक नॉकआउट निकालेंगे, शायद मीर को यहाँ पे स्काई डाउन करते हुए नजर आएंगे। स्काई अभी के लिए हल्का सा ओपन में यहाँ पे जरूर निकल के जाएंगे, बिल्कुल टीडीए मर्डर भी यहाँ पे इनके साथ इसी स्पॉट को होल्ड करते हुए नजर आ रहे। रेक्ट का देखना पड़ेगा, रेक्ट भी बिल्कुल यहाँ पे सामने की तरफ जरूर जाते हुए नजर आएंगे। नॉट डेथ नोट भी यहाँ पे अभी के लिए अपनी टीम की तरफ क्लोजिंग करेंगे। नॉट साकिब की बात करें डीपी के साथ यहाँ पे डीजी फ्लिक पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा। बैकन अगर हम बात करें बिल्कुल डेथ नोट की तरफ से टीडीए मर्डर भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, दो एक कैजुअलिटी यहाँ पे टीम डील कर चुकी है, साथ में एक नॉकआउट भी हमें जरूर देखने को। मर्डर की बात करें रिवाइवल यहाँ पे जरूर देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल वाइपर की बात करें यहाँ पे नॉट डेथ नोट को ग्रोजा के साथ यहाँ पे डाउन करेंगे, एक नेड यहाँ पे सामने की तरफ जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है। स्काई की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे 3v2 के ही सिनेरियो इनके सामने रहने वाला, सामने बिल्कुल डेथ नोट की तरफ एक मोलोटॉप यहाँ पे किया जाएगा, डेथ नोट यहाँ पे फिनिश किए जाएंगे लव वाइपर की तरफ से। साथ में अगर शायद मीर की बात करें तो शायद मीर भी यहाँ पे डाउन रहने वाले, यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा 4f कोकेन रहने वाले, साथ में रेक्ट रहेंगे, रेक्ट बिल्कुल लेफ्ट की तरफ से क्लोज इन जरूर कर चुके हैं, लेकिन स्काई इन्हीं के सामने यहाँ पे सामने लव मर्डर भी रहने वाले, साथ में वाइपर भी यहां पे इसी स्पॉट पे रहेंगे। तो अब देखना पड़ेगा क्या यहां पे रेक्ट सामने की तरफ जाएंगे या फिर इसी स्पॉट को होल्ड करते हुए नजर आएंगे। रेक्ट की अगर हम बात करें तो रेक्ट के सामने पूरी टीम क्लोज इन यहां पे जरूर किए जा रही, तो अब देखना पड़ेगा बिल्कुल स्पॉट से निकल के जाने की कोशिश, लेकिन बैक साइड यहां पे मर्डर की तरफ से इन्हें पिक किया जाएगा, डाउन यहां पे किया जाएगा अकेले। अब यहां पे 4F कोकेन अपनी टीम से जरूर बचे हुए, क्या बिल्कुल कैरी करके यहाँ पे लिया जाएगा 4F टीडीए मर्डर की तरफ से रेक्ट को। साथ में अगर कोकेन की बात करें अब देखना पड़ेगा, कोकेन बैक साइड अपने ही स्पॉट पे यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे। 3 फिनिश पॉइंट इस फाइट से यहाँ पे टीम स्पार्टन्स की जरूर लेके जाती हुई नजर आएगी। जी हाँ बिल्कुल कोकेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी होल्ड किए हुए, रेक्ट को यहाँ पे लेके जाने की पूरी कोशिश रहेगी। जी हाँ बिल्कुल सामने की अगर बात करें स्काई निकल के जा रहे लॉस्ट पे, वहाँ पे डीजी फ्लिक पे भी एक नॉकआउट निकालेंगे, तो डीजी यहाँ पे बिल्कुल दिक्कतों में आते हुए। एक बार डार्क गेमिंग की तरफ चलते हैं तो पहले बिल्कुल यहाँ पे नॉकआउट देखने को मिला था प्रोफेसर पे, अभी के लिए अगर प्रोफेसर की बात करें तो सामने बिल्कुल टॉक्सिक के सीएस यहाँ पे सिविल ईस्पोर्ट एक स्लैमिन करती हुई जरूर नजर आएगी। ब्लड एक्स यहाँ पे मर्डर की तरफ से रेक्ट पूरा कंफर्म कर दिए जाएंगे, तो फिनिश पॉइंट यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा। तीसरा सामने का लॉस्ट पाई की बात करें तो अब यहाँ पे साकिब के साथ इनकी एक क्लोजअप हमें देखने को मिलता हुआ, नू विचर यहाँ पे बिल्कुल अभी के लिए रिवाइवल दे चुके हैं। सिविल ईस्पोर्ट्स की बात करें बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं, वहाँ पे सर्कल की तरफ चलते हैं तो तीसरा सर्कल हमारा कट चुका है, बिल्कुल वाटर साइड का प्रॉब्लम मोस्टली एरिया हमें देखने को मिलता है। डाउन की तरफ यहाँ पे नेड से जरूर स्पैम किए जाएंगे। दूसरे साइड यहाँ पे स्लॉश पाई की बात करें तो एक नेड वहाँ पे उनके पास भी जरूर देखने को मिलता हुआ। जी बिल्कुल रिटेलिएशन में एक नेड यहाँ पे आएगा, प्रोफेसर यहाँ पे बिल्कुल नेड जरूर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक करके नेड बिल्कुल इन्हीं पे आएगा, डैमेज यहाँ पे इन पे जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। साकिब की अगर बात करें तो साकिब भी यहाँ पे डैमेज जरूर डील करेंगे। प्रोफेसर का आप देखना पड़ेगा, प्रोफेसर बिल्कुल अभी के लिए नेड पे स्विच करेंगे, दिक्कतें यहाँ पे प्रोफेसर कर बैठे, लेकिन यहाँ पे सामने बात करें प्रोफेसर यहाँ पे डाउन किए जाएंगे मोलोटॉव के साथ, यहाँ पे लॉस्ट बाय नॉट साकिब को डाउन करेंगे अपने यहाँ पे प्लेयर नॉकआउट एक निकालते हुए। विचर की बात करें अब देखना पड़ेगा, फ्लिक ओपी की तरफ से एक मोलोटॉव यहाँ पे जाएगा, अब देखना पड़ेगा अगर ये मोलोटॉव सही ठिकाने पे जाता है तो दिक्कतें जरूर हो सकती हैं टीम की। सामने अगर प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर बिल्कुल हल्का सा स्मोक के कवर में जरूर रहने वाले, फुल यहाँ पे नेड स्पैम किए जा रहे, लेकिन सही ठिकाने पे कोई भी नेड हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फ्लिक की अगर हम बात करें तो टॉप की तरफ यहाँ पे ब्लड एक्स भी अभी के लिए क्लोजिंग करेंगे, या सिर्फ यहाँ पे मुदस्सिर पे एक नॉकआउट निकालेंगे। सामने विजर की अगर हम बात करें, विजर यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट से जरूर देंगे। फ्लिक ओपी के सामने यहाँ पे एक स्लैम जरूर देखने को मिलता हुआ, सामने इनके सीएस से ब्लड अभी के लिए निकल के आ पहुंचे, ब्लड की हेल्थ भी बिल्कुल यहाँ पे डाउन जरूर रहने वाली। साकिब भी बिल्कुल अभी यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, साकिब की अगर बात करें साकिब यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे। विचर अब यहाँ पे अकेले अपनी टीम से बचे हुए, बिल्कुल टॉप की तरफ से यहाँ पे जंप करके जरूर जाएंगे। साकिब की बात करें बिल्कुल एक ड्रॉप शॉट देके एक नॉकआउट निकाला, फिनिश पॉइंट सिक्योर करने की कोशिश, लेकिन तब तक यहाँ पे अच्छा कवर मिलेगा कन्फर्म यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे डार्क गेमिंग भी फिनिश होकर जाती हुई, सिविल स्पोर्ट्स 14 फिनिश पॉइंट यहाँ पे जरूर लेके जाएगी। क्या उसकी बात करें यासिर की तरफ से मुदस्सिर पे एक नॉकआउट जरूर निकाला गया था, लेकिन अभी के लिए यासिर अपनी बगी लेके जरूर निकल के जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल मुदस्सिर की बात करें तो रिवाइवल यहाँ पे मिल चुका है, बूस्ट अप होते हुए नजर आएंगे, तो दो फर्स्ट एड किट यहाँ पे जरूर इनके पास रहेंगे।
जी हाँ, 7 टीम्स अभी भी यहाँ पे इस मैच में लाए। 4F कोकेन अकेले अपनी टीम से बचे हुए अभी भी अपने स्पॉट पर रहेंगे। सामने TJX हैदी सभी के लिए क्लोज इन जरूर करेंगे। सर्कल की बात करें, 3 सर्कल हमारे कट चुके हैं। तो वाटर साइड अगर बात करें तो एक ड्रॉप यहाँ पे जरूर रहने वाला है। एक बार ड्रॉप की तरफ हम जरूर यहाँ पे जाना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ड्रॉप की अगर हम बात करें तो अभी तक एम्प्टी हमें शो होता है। यासिर की बात करें, यासिर यहाँ पे काला पे एक नॉकआउट निकालेंगे तो ग्रिम रीपर्स एक और नॉकआउट यहाँ पे डील करेगी। अब देखना पड़ेगा, यासिर हल्का सा रोटेट करके बैक साइड की तरफ से क्लोजिंग कर चुके हैं। सामने यहाँ पे काला डाउन पड़े हुए, काला को यहाँ से फिनिश किया जाएगा। फिनिश पॉइंट यहाँ पे यासिर स्क्योर करेंगे। सामने ग्रिम रीपर्स अभी के लिए 3 मंथ पॉइंट के साथ जुड़ेंगे। मुदसर बिल्कुल यहाँ पे पिक किए जाएंगे, यासिर यहाँ पे डैमेज जरूर देंगे। मुदसर बिल्कुल टॉट एज। सामने अगर साकिब की बात करें, साकिब यहाँ पे मुदसर पे एक नॉकआउट निकालेंगे टैप शॉट देके यहाँ पे फिनिश करने की पूरी कोशिश की। नासिर भी अभी के लिए क्लोजिंग किए जा रहे हैं। सामने साकिब यहाँ पे जरूर रहेंगे। आरडिक्स की बात करें, रिफा वहाँ पे एक नेड के साथ मुदसर को फिनिश करेंगे। यहाँ पे रिफा की अगर हम बात करें, रिफा भी स्लाइडली क्लोज इन जरूर करते हुए नजर आएंगे। यासिर एक फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं, साथ में साकिब के 2 फिनिश। ग्रिम रीपर्स 2 मैन स्क्वाड के साथ नासिर के साथ यहाँ पे आउट ऑफ कोर्स। यहाँ पे टीम सामने साकिब को यहाँ पे डाउन किया जाएगा नासिर की तरफ से। यहाँ पे केओएस भी एक नॉकआउट जरूर डील करती हुई नजर आ रही। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए क्लोजिंग यहाँ पे जरूर किया जाएगा। साकिब को फिनिश करने की पूरी कोशिश रहेगी। साकिब हल्का सा बाई की तरफ जरूर आए थे, लेकिन इसी स्पॉट पे अगर हम बात करें, नासिर पे भी डैमेज जरूर दिया जाएगा। RDXYT यहाँ पे जंप करके सामने की तरफ आएंगे। यासिर बिल्कुल यहाँ पे इनके सामने देखने को मिलेगा। अब देखना पड़ेगा, यासिर की तरफ से बिल्कुल इन्हें पिक किया जा सकता है। अगर हल्का सा एक्सपोज होते हैं कि नेड यहाँ पे डाउन की तरफ जरूर जाएगा केओएस यासिर की तरफ से। अब देखना पड़ेगा इस नेड की आड़ में क्या यहाँ पे कोई प्लेयर आते हैं। बिल्कुल डैमेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हल्का सा बैक साइड जाके टीम ग्रिम रीपर्स स्क्वाड की तरफ से, स्पॉट की तरफ से हमें जाती हुई जरूर नजर आएगी। जी हाँ बिल्कुल, तीसरा सर्कल हमारा कट चुका है तो दोनों टीम सभी के लिए आउट ऑफ सर्कल। यहाँ पे 2v2 का सिनेरियो रहने वाला। सर्कल के बाहर यहाँ पे फाइट देख, यासिर की बात करें, यासिर यहाँ पे नॉकआउट निकालेंगे, नासिर को डाउन करेंगे। RDXYT बिल्कुल यहाँ पे इनके सामने आ पहुंचे। यासिर बिल्कुल फ्री फायर की आड़ में यहाँ पे जाना चाहेंगे। दोनों साइड यहाँ पे ड्रॉप शॉट देखने को मिलते हुए यासिर यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। तीसरा फिनिश पॉइंट यहाँ पे यासिर स्क्योर करेंगे तो टीम ग्रिम रीपर्स यहाँ पे पूरा फिनिश आउट होकर जाते हुए 2 मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे क्या जरूर देखने को मिले, लेकिन प्लीज उनके अंदर यहाँ पे जरूर जाना पड़ेगा। जिब्रान जहूर 4F कोकेन को देखा भाई, कोकेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कोकेन के सामने यहाँ पे सिविल भी अभी के लिए क्लोज इन किए जा रही। साथ में अगर सिविल के सामने की बात करें, यहाँ पे टॉक्सिक को भी शॉट दिए जाएंगे। रिटेलिशन में यहाँ पे टॉक्सिक को भी डैमेज यहाँ पे डील करते हुए जरूर नजर आएंगे। और वाइपर की अगर हम बात करें तो TDA मर्डर यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा डैमेज इन पे भी जरूर दिया जाएगा। तो 6 टीम्स 16 प्लेयर यहाँ पे लाइव रहने वाले। सर्कल की बात करें तो बिल्कुल 4 सर्कल अभी तक कट चुके हैं। 22 मिनट हमारे मैच को भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे सर्कल की बात करें तो अब यहाँ पे मिल्टा की तरफ सर्कल हमें जरूर देखने को मिलेगा। टॉक्सिक को भी अभी के लिए बिल्कुल सामने की तरफ जरूर आ पहुंचे। तो अब यहाँ पे टॉक्सिक का देखना पड़ेगा। सामने बिल्कुल इनके स्पार्टन्स की टीम इसी स्पॉट पे जरूर रहने वाली। जी हाँ बिल्कुल, लॉस्ट पाई की अगर हम बात करें, लॉस्ट पाई यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे। TDA मर्डर को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। वाइपर का अब देखना पड़ेगा, वाइपर यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे लॉस्ट पाई को डाउन करते हुए नजर आएंगे। तो दोनों साइड एक एक नॉकआउट इस फाइट में हमें अभी तक जरूर देखने को मिला। टाइमली यहाँ पे रिवाइवल के लिए स्पॉट पे जरूर जाते हुए नजर आएंगे। अब देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे रिवाइवल दिया जाएगा या फिर वहाँ पे सिविल की तरफ से एक फुल स्लैमिन हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, रिवाइवल यहाँ से मिल चुका है। सामने अगर हम बात करें तो सिविल ईस्पोर्ट्स बिल्कुल एक नॉकआउट इन लोगों ने भी जरूर डील किया था, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई रिवाइवल की हम बात करें, लॉस्ट पाई पे अभी तक रिवाइवल देखने को नहीं मिला। बिल्कुल यहाँ पे बैक साइड अगर हम बात करें तो मॉजिन वाइटी इंपीरियल टाइटन्स भी एक क्लोज इन जरूर करती हुई नजर आ रही। साकिब अभी के लिए क्लोज इन करेंगे, यहाँ पे रिवाइवल के लिए जरूर जाते हुए नजर आएंगे। इनके सामने यहाँ पे लॉस्ट पाई जरूर डाउन रहने वाली। टॉक्सिक की बात करें तो अब देखना पड़ेगा ये यहाँ पे क्या क्लोज इन, बिल्कुल मोलोटॉव तो जरूर यहाँ पे इनकी तरफ से जाते हुए नजर आएंगे। मर्डर भी यहाँ पे इनके साथ साथ में। मोजिन वाइटी की बात करें तो ये पीछे से बिल्कुल दिक्कतें दे सकते हैं। अगर यहाँ पे हल्का सा ये लोग क्लोज इन करते हैं, एंगल्स यहाँ पे बनाते हैं तो इजीली यहाँ पे टेक डाउन किया जा सकता है सिविल स्पोर्ट्स को अभी के लिए। लेकिन सिविल स्पोर्ट्स भी बिल्कुल कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पे जरूर जा पहुंची है।
जी हाँ बिल्कुल, फोरी लॉस्ट बाय एक फिनिश पॉइंट के साथ टॉक्सिक एक फिनिश पॉइंट। यहाँ पे स्काई की बात करें तो एक स्लैमन यहाँ पे जरूर हमें देखने को मिलता हुआ, स्काई बिल्कुल यहाँ पे टीबी भी लिए हुए होल्ड करते हुए स्पॉट पे जरूर नजर आएंगे। अगर सामने की तरफ यहाँ पे नेड्स के साथ एक ओपनिंग की जाती है, जी हाँ बिल्कुल, एक नेड यहाँ पे स्मोक यहाँ पे किया जाएगा तो एक प्रॉब्लम एक स्लैमन यहाँ पे जरूर फोरी लॉस्ट बाय की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। हल्का सा स्पा स्काई यहाँ से पीछे की तरफ जरूर जाना चाहेंगे। यहाँ पे एक मोलोटॉप यहाँ पे जरूर देखने को मिलता हुआ, हेल्थ आई गेस यहाँ पे दी जाएगी फोरी की तरफ से। बिल्कुल सर्किल यहाँ पे बिल्कुल अभी के लिए सामने की तरफ, यहाँ पे स्काई यहाँ पे शॉट दीजिए, एक नॉकआउट यहाँ पे स्काई ने निकाला था लेकिन रिटेलिएशन में स्काई को भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा। साथ में अगर बात करें बिल्कुल यहाँ पे अकेले साकिब बचे हुए अपनी टीम से, साकिब का आप देखना पड़ेगा। रूमी वहाँ पे फोरी लॉस्ट बाय को डाउन करते हुए, जी हाँ बिल्कुल, जो इंपीरियल टाइटंस की हम बात कर रहे थे तो दिक्कतें यहाँ पे इनकी तरफ से जरूर हमें देखने को मिलती भी। साथ में ला वाइपर की बात करें तो अभी तक यहाँ पे इसी स्पॉट पे 2v1 का सिनेरियो यहाँ पे इनके पास रहने वाला। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिविल के 3 प्लेयर डाउन पड़े हुए नजर आ रहे, बिल्कुल रिवाइवल मिलता हुआ टॉप की तरफ। यहाँ पे स्पार्टन्स की अगर हम बात करें तो इन्हें अभी तक अगर कोई खबर नहीं रहने वाली, अब यहाँ पे बिल्कुल इनकी दिक्कतें पड़ती हुई नजर आएंगी। अच्छा बिल्कुल 2v1 का एक सिनेरियो यहाँ पे जरूर बना हुआ था लेकिन रिवाइवल यहाँ पे मिल चुका है। साथ में अगर फ्रॉगमैन की बात करें तो यहाँ पे ब्लड एक्स की तरफ से रोमी डाउन कर दिए जाएंगे और फ्रॉगमैन यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग जरूर करेंगे। फ्रॉगमैन की बात करें यहाँ पे फ्रॉगमैन एक नॉकआउट निकालते हुए कन्फर्म यहाँ पे करेंगे सामने, बिल्कुल यहाँ पे इंपीरियल टाइटंस की पूरी टीम कन्फर्म कर दी जाएगी। यहाँ पे फोरी लॉस्ट हुआ बिल्कुल डॉट एचपी पे बचे हुए। साथ में अगर टॉप की बात करें तो अभी भी यहाँ पे लव वाइपर और टीडीए मर्डरर इसी स्पॉट को होल्ड करते हुए नजर आएंगे। साकी बिल्कुल यहाँ पे इनके सामने रहेंगे। लॉस्ट बाय की बात करें अभी के लिए यहाँ पे शॉट जरूर दिए जाएंगे। टॉक्सिक कॉपी अभी के लिए हल्का सा क्लोजिंग यहां पे जरूर करते हुए नजर आएंगे। साकिब की बात करें तो साकिब बिल्कुल टॉप की तरफ यहां पे जरूर जाते हुए नजर आ रहे। अच्छा बिल्कुल एक ड्रॉप यहाँ पे इनके सामने रहने वाला टॉप की तरफ। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लव वाइपर टीडीए मर्डर बिल्कुल अपना स्पॉट यहाँ पे होल्ड किए हुए, बिल्कुल यहाँ पे गेट की पड़ते हुए सामने। क्या की बात करें यहाँ पे रेफा की तरफ से कोकेन कंफर्म कर दिए जाएंगे। कोकेन ने एक नेड किया था जिस नेड की आड़ में यासर यहाँ पे डाउन। लव वाइपर की वहीं बात करें वाइपर यहाँ पे लॉस्ट स्पॉट को डाउन करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे मर्डर की तरफ से साके भी डाउन कर दिए जाएंगे तो अकेले यहाँ पे सीएस टॉक्सिक ओपी बचे हुए। टॉक्सिक का देखना पड़ेगा, एक नॉकआउट निकाले कंफर्म यहाँ पे किया बिल्कुल डॉट एचपी पे, यहाँ पे जल्दी क्लोजिंग करना पड़ेगा। सामने की अगर हम बात करें बूस्ट अप करने के लिए यहाँ पे जरूर जाएंगे। विंगर लॉस्ट बाय की बात करें ये भी यहाँ पे डाउन जरूर रहेंगे। सिविल स्पोर्ट्स बिल्कुल यहाँ पे टॉक्सिक अकेले अपनी टीम से बचे। साथ में अगर लव वाइपर की बात करें तो वाइपर हल्का सा यहाँ पे आगे पीछे जरूर किए जा रहे, जल्दी यहाँ पे अगर क्लोजिंग करते हैं तो प्रॉब्ली यहाँ पे फिनिश करते हुए नजर आ सकते हैं। टॉक्सिक की अगर हम बात करें टॉक्सिक अभी के लिए बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे वाइपर बिल्कुल इनके सामने लूट करते हुए 1v1 का सिनेरियो यहाँ पे वाइपर का देखना पड़ेगा। आई गेस बिल्कुल ओपन में हल्का सा जरूर रहने वाले। भाई अगला कस्टम होगा कि नहीं, तो भाई अगला कस्टम जरूर होगा, इसके बाद नेक्स्ट मैच हमारा खेला जाएगा। अच्छा बिल्कुल लव वाइपर की हम बात कर रहे थे, अभी के लिए बूस्टअप यहाँ पे जरूर करेंगे। सी एस से टॉक्सिक ओपी की तरफ हम चलते हैं तो टॉक्सिक ओपी की तरफ यहाँ पे बिल्कुल अभी के लिए सामने स्मोक्स की आड़ में ये बिल्कुल प्रॉब्ली टॉप की तरफ यहाँ पे जरूर जाना चाहेंगे। वाइपर की तरफ एक क्लोजिंग यहाँ पे जरूर करते हुए नजर आएंगे। फाइनल 4 टीम से 7 प्लेयर यहाँ पे लाए, 5 सर्कल यहाँ पे कट चुके हैं। टीम्स की अगर हम बात करें सी एस की तरफ से टॉक्सिक ओपी अकेले बचे हुए। यहाँ पे अगर केजी की बात करें 3-man स्क्वाड के साथ केजी की टीम देखने को मिलती है। साथ में एनएक्सटी रिफा क्योस यहाँ से 2-man स्क्वाड के साथ लव वाइपर यहाँ पे बचे हुए अपनी टीम से जरूर नजर आए। स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी टाइम से ये दोनों प्लेयर हमें स्पॉट पे देख रहे हैं। साथ में अगर एनएक्सटी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे क्या से यासिर और यहाँ पे रिफायत अभी के लिए प्ले जोन के अंदर जरूर जाते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए स्लाइडली इसी स्पॉट की तरफ यहाँ पे ये लोग भी जरूर आ पहुंचे। यासिर का आप देखना पड़ेगा, यासिर यहाँ पे बिल्कुल सर्कल के एज पे जरूर रहने वाले। बैकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रल केजी की टीम भी जरूर देखने को मिलती हुई, टीजे एक्सैदिस और कोबरा ये लोग बिल्कुल यहाँ पे सर्कल के अंदर जरूर देखने वाले। जी हाँ टॉक्सिक की हम बात कर रहे थे, हल्का सा यहाँ पे टॉक्सिक को भी अभी के लिए निकल के जरूर जाएंगे लेकिन सामने की तरफ से यहाँ पे शॉट दिए जाएंगे। बैक साइड यहाँ पे वाइपर की तरफ से पिक किया जाएगा, वाइपर यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो सिविल ई स्पोर्ट्स यहाँ पे फिनिश होके जाती हुई। फाइनल यहाँ पे 3 टीम्स अब इस मैच में बची हुई। लव वाइपर यहाँ पे स्पार्टन्स के अकेले प्लेयर इस मैच में रहेंगे। साथ में अगर एनएक्सटी की बात करें तो रिफा कियास यहाँ से 2-man स्क्वाड के साथ, वहीं अगर केजी ऑफिशियल्स की बात करें तो कोबरा टीजीएक्स हैदीस से साथ में न्यूट्रल यहाँ पे जरूर रहेंगे। सर्कल अगर बात की जाए तो 6 सर्कल हमारे कट चुके हैं, बिल्कुल यहां पे तीनों टीम से सर्कल के एज को होल्ड करते हुए जरूर दिखाई दे रही। आके फली आईडीपी कहां मिलेगा? भाई आईडीपी का ये सीन है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, ये बीजीएमआई है ब्रो, बीजीएमआई आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। बिल्कुल डिस्कॉर्ड की लिंक वहां पे दी गई है, पिन की है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अपनी टीम को रजिस्टर कर सकते हैं।
जी एनएक्सटी रिफा क्यास यासिर यहाँ पे ला वाइपर की वहीं अगर बात करें तो वाइपर 4 फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं, पूरी टीम 7 फिनिश पॉइंट के साथ जरूर रहने वाली। अगर क्यास की बात करें तो 6 फिनिश पॉइंट इनके भी, बिल्कुल तीनों टीम्स अपना अपना स्पॉट होल्ड किए हुए क्योंकि सर्कल अब हमारा कट चुका है, सर्कल के बाहर सारी टीम्स, तो अब यहाँ पे टीम्स को निकलना पड़ेगा प्लीज उनके अंदर। नियर टू सर्कल अगर हम बात करें तो क्यास यहाँ पे सर्कल के नजदीक रहने वाली, बाकी जो ये 2 टीम्स रहने वाली हल्का हल्का सा यहाँ पे इन लोगों को प्लीज उनके अंदर जरूर जाना पड़ेगा। तो एक बार टॉप वेव की तरफ चलेंगे, यहाँ पे केजी बिल्कुल अपनी गाड़ी उनके साथ रेडी हो चुकी है प्लीज उनके अंदर जाने के लिए। यासिर की ही बात करें तो यासिर बिल्कुल हल्का सा ओपन से निकल के जरूर जाना पड़ेगा, साथ में ला वाइपर की बात करें वाइपर भी अभी के लिए ओपन एरिया से निकल के प्लीज उनके अंदर जरूर जाते हैं। उनके सामने के यासिर को यहाँ से स्पॉट कर चुके हैं, यहाँ पे यासिर की तरफ से शॉट दिए जाएंगे, यासिर का आप देखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा रिफा की तरफ से, रिफा यहाँ पे बिल्कुल कोबरा को शॉट देते हुए जरूर नजर आएंगे प्रोनिन करके। यहाँ पे क्या यासिर अभी के लिए प्लेइंग एरिया की तरफ जरूर जाएंगे, ओपन का पूरा एरिया यहाँ पे ये जरूर रहने वाला। कोबरा अभी के लिए बिल्कुल यहाँ पे सामने की तरफ एक शैग जरूर होल्ड करते हैं, साथ में अगर बैकहेंड ला वाइपर की बात करें और 2 प्लेयर वहाँ पे जरूर उनके साथ रहेंगे। रिफा भी अभी के लिए बिल्कुल सर्कल के बाहर, तो रिफा को भी जल्दी यहाँ पे प्लेज उनके अंदर जरूर निकल के जाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल हल्की सी फाइट रुकी हुई, 7वां सर्कल यहाँ पे कट चुका है, तो यासिर स्लाइटली अभी के लिए प्लेस जोन के अंदर आ चुके हैं। कोबरा का आप देखना पड़ेगा, अगर कोबरा यहाँ पे यासिर को स्पॉट करते हैं तो क्यास यासिर यहाँ पे जरूर दिक्कतों में आ सकते हैं। सामने की तरफ बिल्कुल प्रोनिन करके यासिर अभी के लिए जरूर पहुंच चुके हैं, तो ब्लू जोन अब यहाँ पे 3 सेकंड के बाद श्रिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। रिफा बिल्कुल यहाँ पे स्मोक्स की आड़ में बिल्कुल ओपन एरिया से निकल के आएंगे, साथ में अगर ला वाइपर की बात करें तो वाइपर बिल्कुल अभी भी सर्कल के बाहर रहने वाले, सामने बिल्कुल TGX हैदीज इन करेंगे, हैदीज को यहाँ पे किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे हैदीज को डाउन करेंगे, हैदीज को कंफर्म करने के लिए चाहेंगे लेकिन खुद भी यहाँ पे निकल के प्लेस जोन के अंदर जाना पड़ेगा। सामने की अगर हम बात करें बिल्कुल यहाँ पे सामने की तरफ से पिक जरूर किया जाएगा, डैमेज यहाँ पे डील करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ओपन में निकल के जाएंगे। सामने अगर कोबरा की बात करें, कोबरा पे यहाँ पे डैमेज दिया जाएगा लेकिन यासिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, एंड की फाइट यहाँ पे 2v2 का ये सिनेरियो बना हुआ, न्यूट्रल कोबरा यहाँ पे प्लेस जोन के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लेस जोन के साथ कंफर्म होते हुए जरूर नजर आएंगे। तो 2-man स्क्वाड के साथ यहाँ पे केजी की टीम सामने, यहाँ पे क्यास 2-man स्क्वाड के साथ यासिर, बिल्कुल अगर नेड्स का यहाँ पे यूज किया जाता है तो बिल्कुल दिक्कतें इनकी तरफ से जरूर दी जा सकती है। ब्रो भाई मेरे को नेक्स्ट कस्टम के लिए स्लॉट चाहिए, किसी को वॉइस चैट में भेजो डिस्कॉर्ड में। भाई कस्टम्स का ये सीन है कि ये वीकली ब्रो, मंथली ब्रो रजिस्ट्रेशन होती हैं, उसके बाद ही स्लॉट मिलता है, पेड कस्टम्स हैं हमारे, तो अगर मंथली आप खेलना चाहते हैं तो ज़रूर आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक मैच का स्लॉट यहाँ पे ब्रो अभी के लिए हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, जब होगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको बोला जाएगा। सामने अगर न्यूट्रल की बात करें, यहाँ पे यासिर की तरफ से शॉट जरूर दिए जा रहे, कोबरा ये लोग बिल्कुल यहाँ पे कार्ड ब्लास्ट जरूर करते हुए, यासिर हल्का सा एक्सपोज अभी के लिए जरूर हो चुके हैं, हल्का सा पीछे की तरफ यहाँ पे जरूर जाएंगे। तो फुरकान बैग थैंक यू फॉर द 29 रुपीज सुपर चैट, रिफा यहाँ से पूरा कन्फर्म कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1v2 का एंड का सिनेरियो रहने वाला, कोबरा साथ में न्यूट्रल बिल्कुल प्रोनिन किए हुए, यासिर यहाँ पे इनके सामने, क्या यासिर 1v2 यहाँ पे क्या यासिर निकाल पाते हैं या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, एक यासिर की अगर हम बात करें, सामने के लिए यासिर यहाँ पे किए जाएंगे, न्यूट्रल यहाँ पे यासिर को कंफर्म करेंगे, चिकन डिनर यहाँ पे केजी ऑफिशियल्स लेके जाते हुए, केजी की अगर हम बात करें 3 फिनिश पॉइंट यहाँ पे लेके चिकन लेके जाएंगे, सेकंड स्पॉट यहाँ पे क्यास के पास रहेगा, टोटल अगर क्यास की बात करें तो 7 फिनिश पॉइंट इनके पास होंगे। थर्ड स्पॉट पर यहाँ पे 3 स्पार्टन्स रहने वाली, स्पार्टन्स की तरफ से 5 फिनिश यहाँ पे लाव वाइपर का, 1 फिनिश 2 फिनिश यहाँ पे मर्डर के जरूर रहेंगे। मैच अभी के लिए पहला हमारा कंप्लीट होता हुआ, दूसरा मैच बिल्कुल 5-10 मिनट में हमारा शुरू किया जाएगा। अगेन 29 रुपीज सुपर चैट फ्रॉम फुरकान बैग, थैंक यू वेरी मच भाई, लव यू हो गया जी। स्टार्ट द मैच की बात करें तो गोइंग ऑल आउट है नदीम कादर, यहाँ पे 7 फिनिशेस, बेस्ट कंपेनियन की बात करें 4 रिवाइवल यहाँ पे नॉट साकिब की, वहीं फिनिशर की बात करें तो एंड यहाँ पे न्यूट्रल की तरफ से हमें देखने को मिला। तो अभी के लिए अगर स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं, अपने दूसरे मैच में हम आप लोगों के साथ फिर जुड़ते हैं।
सो गाइस वेलकम बैक अगेन। तो आज का सेकंड मैच और क्वालिफाई माफ कीजिएगा अगर वीक फोर्थ और डे सेवन की बात करें तो आज का आखिरी मैच हमारा रहेगा। टोटल 14 टीम्स यहाँ पे इस मैच में से नाक का ये मैप रहेगा। कैंप ब्रावो की तरफ भी यहाँ पे टीम से आती हुई नाखम सहमी, तो बिल्कुल ये दो एरियाज जहाँ पे टीम्स जरूर जाती हुई नजर आ सकती हैं। देखिए टीम्स इनिशियली अपनी अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ यहाँ से जाएंगी। रंजी माजिद यहाँ पे जंप कर चुके हैं। साथ में अगर ग्राउंड की बात करें तो सिविल स्पोर्ट्स यहाँ पे जरूर जाती हुई, सी एस ब्लड एक्स नाट साकिब 11 यहाँ पे इनके साथ, साथ में आरजी विंटॉक्स ये लोग भी बिल्कुल इसी स्पॉट की तरफ जाएंगे। थ्री मैन स्क्वाड के साथ ये टीम रहने वाली। डिफेंडर 7 की बात करें तो नूर की टीम यहाँ पर रहेगी, हबीब 22, फिरंगी डेडमैन 77 के साथ एक सेफ स्पॉट यहाँ पे। सामने ग्राउंड में कोई टीम नहीं रहेगी। नॉट डेड डेथ नोट 4F कोकेन साथ में रेक्ट यहाँ पे, ये लोग अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ पहुँच चुके हैं। लेकिन सामने इसी स्पॉट पे एक टीम यहाँ पे सोल मोटल नईम वसीम साथ में नदीम कादिर ये लोग जरूर यहाँ पे आ पहुंचे। दोनों टीम्स यहाँ पे आमने सामने बूट कैंप के एरिया की तरफ यहाँ पे इनिशियली हम फाइट जरूर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे नॉट डेथ नोट अभी के लिए डाउन कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी हमें ग्रिज के साथ ये बिल्कुल आसमान में देख रहे हूँ। शायद मीर की बात करें रिटेलिएशन में पे शायद मीर की तरफ से भी नॉकआउट निकालेगा। मीर यहां पे नदीम कादिर को पूरा कंफर्म करते हुए नजर आएंगे, तो कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करें कोकिन की तरफ चलते हैं, कोकिन यहां पे M4 के साथ जरूर आएंगे। रेक्ट यहां पे देखिए सामने शॉट यहां पे जरूर दिए, सामने अगले के लिए डैमेज यहां पे जरूर देते हुए नजर आएंगे। सामने अगर बात करें तो थ्री मैन स्क्वाड के साथ यहां पे ये टीम भी रहेगी। सोल मॉडल 3 फिनिश पॉइंट 1 फिनिश पॉइंट यहां पे निकाल चुके हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग वानी आमिर, वेलकम टू रात गेमिंग। अजय वसीम की बात करें नईम कादिर सोल मॉडल 1 फिनिशमेंट अभी तक इनके पास है। डाउन की तरफ यहाँ पे बिल्कुल शायद मीर पे अभी के लिए शॉट यहाँ पे देने की कोशिश सोल मॉडल की जरूर रहने वाली। क्या बिल्कुल अभी के लिए रेक की बात करें, रेक यहाँ पे डायरेक्ट शॉट देंगे, रेक यहाँ पे डाउन करेंगे सोल मॉडल को। साथ में ही बिल्कुल रिवाइवल मिलता हुआ अगर यहाँ पे फोएबल्स का यूज किया जाता है। सामने अगर हम बात करें वसीम को भी यहाँ पे रेक की तरफ से डाउन किया जाएगा, दो नॉकआउट्स। और टॉप की अगर सोल मॉडल की बात करें शायद मीर बिल्कुल यहाँ पे निकल चुके हैं स्लैमिंग करने के लिए। शायद मीर की बात करें नदीम यहाँ पे बिल्कुल फुल बूस्ट अप हो चुके हैं, हल्का सा पीजे की तरफ इस स्पॉट से जरूर निकल के जाएंगे। मॉडल की वही बात करें डीडीएस के साथ यहाँ पे बिल्कुल निकल के जाते हुए डायरेक्ट वहाँ पे वसीम को कन्फर्म करेंगे टू मैन स्क्वाड के साथ। अब यहाँ पे टीम टबडप जरूर रहने वाली। जी बिल्कुल, दो फिनिश पॉइंट यहाँ पे टीम तीन टाइटंस जरूर सिक्योर कर चुके। शायद मीर यहाँ पे के साथ की बात करें यहाँ पे शायद मीर की तरफ से सोल मॉडल भी डाउन किए जाएंगे। नईम यहाँ पे अकेले अपनी टीम से रहने वाले, यहाँ पे बिल्कुल दिक्कतें बढ़ चुकी हैं इनिशियली टीम टाइटंस की। तीन कैजुअलिटीज यहाँ पे टीम जरूर डील कर चुकी, अकेले यहाँ पे नईम बचे हुए। नईम के सामने 1v3 का ये सिनेरियो रहने वाला। अच्छा यहाँ पे नईम कर पाएंगे लेकिन नहीं, मीर यहाँ पे क्लोज इन करेंगे। शायद मीर की तरफ से यहाँ पे इन्हें कन्फर्म कर दिया जाएगा। तो इनिशियली इस मैच में यहाँ पे टीम टपाटप पूरा फिनिश आउट होगी। जाते वहाँ पे रिहान की बात करें, रिहान यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। एक नेड यहाँ पे आएगा, इस नेड के साथ यहाँ पे बिल्कुल रिहान को कैरी किया जाएगा। अगर मेरा मानेंगे यहाँ पे सैम की अगर हम बात करें, सैम यहाँ पे साथ देंगे, सैम यहाँ पे शॉट देंगे, सैम यहाँ पे डैमेज जरूर डील करेंगे, सैम भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। राहिद का आप देखना पड़ेगा, माजिद बिल्कुल यहाँ पे क्लोज इन किए जा रहे, माजिद के सामने यहाँ पे फिर माजिद भी यहाँ पे डाउन, राहिद अकेले बचे हुए। विद इन 9 सेकंड्स यहाँ पे पूरी टीम कन्फर्म कर दी जाएगी। दो फिनिश यहाँ पे ब्लड एक्स लेंगे, साकिब यहाँ पे दो फिनिश जरूर लेके जाते हुए। तो सिविल स्पोर्ट्स इस फाइट को यहाँ पे जरूर निकालती हुई। जी हाँ, एक बार डिफेंडर की तरफ हम चलेंगे। डिफेंडर 7 हबीब यहाँ पे इनके साथ, फिरंगी यहाँ पे इनके साथ रहेंगे, साथ में डेडमैन 77 भी जुड़े हुए नजर आएंगे। फुलमैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे ये टीम रहने वाली, अभी के लिए ओपन एरिया से जरूर निकल के जाएगी। वहाँ पे 4F कोकिन की बात करें, 4 फिनिश पॉइंट टीम सिक्योर कर चुकी है। साथ में एक बार ग्रिम रीपर्स की तरफ चलते हैं, बिल्कुल टीम यहाँ पे फुलमैन स्क्वाड के साथ जरूर एक सेफ स्पॉट की तरफ रहेगी। साथ में सिविल की बात करें, 4 फिनिश पॉइंट अभी भी यहाँ पे इनके हमें देखने को मिले, एक टीम यहाँ पे जरूर कन्फर्म की। केजी की बात करें, पिछले मैच में चिकन निकाला गया था, अभी के लिए बिल्कुल टीम यहां पे फुल बैन स्क्वाड के साथ। सामने एनएक्सटी की बात करें, क्योस की टीम यहां पे फुल बैन स्क्वाड के साथ रहेगी, यासिर नदीम यहां पे साकिब फुल बैन स्क्वाड के साथ। टीम अभी के लिए अगर हम बात करें ग्राउंड में, यहां पे इनके बॉट किलर जरूर देखने को मिलेंगे, लूसीफर 77, अभिषेक, ब्रायन बैडवा यहां पे जरूर देखने को मिलते हैं। अगर जस्ट वेनम की बात करें, 4 मैन बॉट एक्स यहां पे लोग 3 बैन स्क्वाड के साथ इस मैच में जुड़े हुए जरूर नजर आएंगे। आरजी की बात करें तो आरजी लाइट यहां पे 3 बैन स्क्वाड के साथ रहने वाली, फेड मुनाजिर विंटॉक्स यहां पे जरूर इस मैच
मैच में। थ्री मैन स्क्वाड के साथ टीम सात में स्पार्टन्स की बात करें, यहाँ पे स्काई लाइनसेन, लव वाइपर, टीडीए, मर्डर यहाँ पे जरूर फुल मैन स्क्वाड के साथ ये टीम भी। अगर डार्क गेमिंग की तरफ चलते हैं तो डार्क गेमिंग भी फुल मैन स्क्वाड के साथ रहने वाली। डीजी शेडो, डीजी फ्लिको भी, डीजी माफिया ओपी यहाँ पे जरूर होंगे। ग्राउंड में अगर हम बात करें तो इनके सामने बिल्कुल अभी के लिए इंपीरियल टाइटंस की टीम इसी स्पॉट पे जरूर रहेगी। रूमी यहाँ पे, फ्रॉगमैन 90s साथ में, मोजिन वाइट यहाँ पे जरूर। अभी कुछ खास लूट यहाँ पे इनके पास नहीं रहने वाली। सर्कल की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे नॉर्थन साइड की तरफ हमारा सर्कल अभी के लिए देखने को मिलेगा। प्लेज उनकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आउट ऑफ सर्कल काफ़ी टीम्स, हार्डली दो या तीन टीम सर्कल के अंदर रहेंगी, बाकी सारी टीम्स को यहाँ पे निकल के प्लेज उनके अंदर जरूर जाना पड़ेगा। बिल्कुल वहाँ पे शाहिद मीर की बात करें, शाहिद मीर यहाँ पे कंफर्म कर दिए जाएंगे। सामने इनके फोर मैन बॉर्डेक्स, बिल्कुल थ्री मैन स्क्वाड के साथ दूसरी मदद के लिए क्लोजिंग किए जा रही। वेनम पे यहाँ पे शॉट देने की पूरी कोशिश टोकन की रहने वाली। साथ में अगर रेक्ट की बात करें, वहाँ पे साकिब की तरफ से लूसीफर पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा। फोर एफ कोकेन का आप देखना पड़ेगा। कोकेन के सामने बिल्कुल डाउन जो ये डिप का एरिया हमारा, बिल्कुल एक कैनाल का जो एरिया रहने वाला, इसके बीच में बिल्कुल यहाँ पे वेनम अभी के लिए होल्ड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी के लिए सामने की तरफ यहाँ पे वेनम भी निकल के जाएंगे। कोकेन का आप देखना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल मेन बिल्डिंग्स की तरफ यहाँ पे जरूर रहेंगे। 1v2 1v3 का ये सिनेरियो अभी के लिए इनके सामने जरूर बना हुआ। अच्छा बिल्कुल बैक एंड अगर रेक्ट की बात करें तो रेक्ट को भी यहाँ पे क्लोज इन करना पड़ेगा। यासिर की बात करें, यासिर यहाँ पे एक और नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे, तो एक बार यासिर की तरफ चलेंगे। सामने बॉट किलर्स, बिल्कुल यहाँ पे यासिर यहाँ पे काने पे उठा के लेके फरार होने की कोशिश करेंगे, लेकिन यासिर को यहाँ पे अभिषेक की तरफ से डाउन जरूर किया जाएगा। नदीम की बात करें, वहाँ पे कोकेन की तरफ से नॉकआउट निकाला जाएगा। कोकेन हनान यहाँ पे ट्रेड में कोकेन को भी डाउन करेंगे। रिवाइवल यहाँ पे जरूर मिलता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल यहाँ पे रिवाइवल मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। साकिब की भी बात करें तो साकिब भी सामने की तरफ यहाँ पे जरूर रहेंगे। नदीम का आप देखना पड़ेगा, नदीम हल्का सा ऊपर में यहाँ पे जरूर जाएंगे। सामने बैड बॉय यहाँ पे शॉट नदीम का देंगे, यहाँ पे बैड बॉय को डाउन किया जाएगा साकिब की तरफ से। तो एक और नॉकआउट यहाँ पे टीम बॉट किलर्स डील करती हुई नजर आएगी। अभिषेक अकेले बचे, रेक्ट वहाँ पे हनान को भी डाउन करेंगे। हनान की बात करें, कोकेन को कन्फर्म किया, साथ में उमर की तरफ से यहाँ पे रेक्ट भी कन्फर्म कर दिए जाएंगे। तो टीम यहाँ पे टीम टाइटंस की बुरा फिनिश होकर जा रही है। यासिर यहाँ देखना पड़ेगा, बिल्कुल ओपन में यहाँ से निकल के जाएंगे। यहाँ पे यासिर बिल्कुल डॉट एच भी बिल्कुल यासिर भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। तो अभिषेक क्या यासिर को डाउन करते हुए नजर आएंगे। सामने अगर डीजी फ्लिक की बात करें, मोजिन वाइट यहाँ पे कन्फर्म, 90s और फ्रॉगमैन यहाँ पे कन्फर्म कर दिए जाएंगे। तो अकेले यहाँ पे रूमी अपनी टीम से बचे हुए, तीन टीम से यहाँ पे स्पॉट पे। डीजी फ्लिक को भी एक फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं। साथ में अगर कोबरा की बात करें, एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे कोबरा का भी जरूर रहने वाला। जी बिल्कुल, डीजी फ्लिक की अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ टीम रहने वाली। इंपीरियल टाइटंस के अकेले यहाँ पे रूमी बचे हुए, और कोबरा की वहीं बात करें तो कोबरा यहाँ पे अकेले अपनी टीम से ज़रूर देखने को मिल रहे। 11 टीम से टोटल 36 प्लेयर अभी भी अलाउड। तो एक बार क्यास की तरफ चलेंगे, बॉट किलर्स के साथ जो इनकी फाइट रहने वाली थी। यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ टीम रिवाइवल मिल चुका है। अभिषेक यहाँ पे अकेले इस स्पॉट से बिल्कुल निकल के जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सामने बिल्कुल गन्स तो ज़रूर रहने वाली थी, अभी के लिए यहाँ पे UMP 45 जरूर उठा ली जा चुकी है। यासिर यहाँ पे क्लोज इन करेंगे, हेलमेट सब कुछ यहाँ पे इनका डैमेज रहने वाला। वेस्ट भी यहाँ पे इनकी डैमेज, अभिषेक अकेले बचे। अगर यहाँ पे अभिषेक इन्हें डाउन करते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश करते हुए जरूर नजर आएंगे। चाहे बिल्कुल यासिर की अगर हम बात करें, बैक साइड यासिर यहाँ पे क्लोज इन जरूर कर चुके हैं। अभिषेक यहाँ पे सामने की तरफ एक नॉकआउट निकालेंगे। यासिर की तरफ से बिल्कुल एक ही शॉट यहाँ पे अभिषेक को दिया जाएगा, अभिषेक यहाँ पे कन्फर्म कर दिए जाएंगे। तो क्यास यहाँ पे इस फाइट को निकालते हुए चौथा फिनिश पॉइंट यहाँ पे क्यास की तरफ से जरूर निकाला जाएगा। रिफा यहाँ पे बिल्कुल रिवाइव दिए जा रहे हैं जो ये कैरी करने की सारी बातें। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल ड्रिफा का काफ़ी हाथ हमें इसमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 10 टीम्स 35 प्लेयर अलाइव। सर्कल के बाहर आने के लिए कियास की टीम यहाँ पर रहने वाली। तो सर्कल के अंदर यहाँ पे कियास को ज़रूर निकल के जाना पड़ेगा। 8 मिनट हमारे इस मैच को भी हो चुके हैं, नियर अबाउट 9 मिनट्स हो चुके हैं। तो एक सर्कल कटा है, 4 फिनिश पॉइंट यहाँ पे कियास के पास जरूर रहने वाले। अगर नूर की बात करें, नूर फुल मैन स्क्वाड के साथ रहने वाली। सामने ग्राउंड में यहाँ पे नासिर, मुदस्सिर, काला, तो ग्रिम रीपर्स की टीम हमें ज़रूर देखने को मिल रही। वहीं अगर बाकी टीम्स की तरफ अब चलते हैं तो सिविल ने एक फाइट यहाँ पे इनिशियली निकाली थी। केजी की बात करें, केजी भी बिल्कुल यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ, हेरीज, कोबरा, अलादीन साथ में न्यूट्रल यहाँ पे जरूर रहेंगे। ग्राउंड की अगर बात करें तो इस स्पॉट की तरफ अभी के लिए टीम्स क्लोज इन करती हुई नजर आएंगी। आज जी लाइट यहाँ पे मुनजिर फेड यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। साथ में अगर रूमी बात करें, रूमी बिल्कुल अभी भी अपने स्पॉट को होल्ड करते हुए जरूर नजर आएंगे। सर्कल के अंदर अभी भी 140 मीटर यहां पे रूमी को जरूर निकल के जाना पड़ेगा।
अच्छा बिल्कुल, डार्क गेमिंग अभी यहाँ से स्पॉट से जरूर निकल के जाती हुई नजर आएगी। डार्क गेमिंग प्रोफेसर यहाँ पे, डीजी शेडो यहाँ पे इनके साथ साथ में डीजी फ्लिक ओपी, माफिया ओपी भी यहाँ पे निकल के जाएंगे। टॉप की तरफ यहाँ पे अगर बात करें तो केजी की टीम बिल्कुल यहाँ पे टीम्स का गेटकीप करती हुई नजर आ रही। टीजीएक्स हैदीस और कोबरा केजी अलादीन यहाँ पे इनके साथ साथ में। सिविल स्पोर्ट्स की बात करें और टॉक्सिक ओपी यहाँ पे, फोरी लॉस्ट बाय नॉट साकिब यहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ, ये टीम भी अभी के लिए यहाँ पे जरूर जुड़ी हुई। 10 मिनट हमारे मैच को हो चुके हैं। स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। 10 मिनट यहाँ पे बिल्कुल हो चुके हैं जी। सर्कल की बात करें तो यहाँ पे हमारा ब्लूजन बिल्कुल पूरा श्रिंकिंग होना शुरू हो चुका है, तो दूसरा सर्कल यहाँ पे कटने जा रहा है। प्रॉब्ली अगर हम स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे सर्कल हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, सर्कल की हम बात कर रहे थे तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा सर्कल कटने जा रहा है। एक सर्कल कट चुका है अभी तक। जो कन्फर्म टीम यहाँ पे इस मैच से हो चुकी है तो बॉट किलर्स यहाँ पे विदाउट एनी फिनिश पॉइंट इस मैच से जा चुकी है। साथ में अगर टैप टैप की बात करें एक फिनिश पॉइंट के साथ, वहीं अगर 4F कोकेन टीम टाइडेंस की बात करें तो इनके 4 फिनिश पॉइंट जरूर देखने को। वहाँ पे अगर डिफेंडर की बात करें, डिफेंडर पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा। डीजी शेडो यहाँ पे डिफेंडर को फिनिश करेंगे। यहाँ पे एक कैजुअलिटी टीम नूर जरूर डील करेगी। हबीब की अगर हम बात करें बिल्कुल यहाँ पे प्रोनिन किए हुए, डेड मैन 77 भी प्रोनिन यहाँ पे किए हुए नजर आएंगे। फिरंगी का आप देखना पड़ेगा बिल्कुल प्रोनिन करके सामने की तरफ इस स्पॉट से बिल्कुल यहाँ पे फुल 6x के साथ यहाँ पे रहेंगे। डार्क गेमिंग बिल्कुल डाउन की तरफ से क्लोज इन जरूर करती हुई नजर आएगी। जस्ट फैनम उमर एक्स यहाँ पे हरान एक्स 3 मैन स्क्वाड के साथ अभी भी इस मैच में रहेंगे। बिल्कुल टॉप की अगर हबीब की बात करें, हबीब यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे, फ्लिप को यहाँ से डाउन किया जाएगा सामने और प्रोफेसर भी जरूर रहने वाले, शॉट यहाँ पे दिए जाएंगे। हबीब की बात करें बिल्कुल हबीब प्रॉब्ली यहाँ पे डाउन कर दिए जा सकते हैं, लेकिन सामने डीजी फ्लिक पे यहाँ से शॉट दिए जाएंगे। मुनजर वहाँ पे डीजी फ्लिक को कन्फर्म करेंगे, माफिया भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, प्रोफेसर यहाँ पे हबीब पे नॉकआउट निकालेंगे। सामने अगर फिरंगी की बात करें, फिरंगी बिल्कुल यहाँ पे प्रोनिन किए हुए, उनके सामने डीजी शेडो, शेडो पे यहाँ से शॉट देंगे, हल्के से शॉट यहाँ पे जरूर कनेक्ट होंगे। तो आरजी लाइट भी इसी स्पॉट की तरफ यहाँ पे क्लोज इन कर चुकी है। विंटॉक्स का आप देखना पड़ेगा, विंटॉक्स बिल्कुल हल्का सा कवर एरिया की तरफ होल्ड करते हुए फेड यहाँ पे बिल्कुल अपनी टीम की तरफ जरूर क्लोज करते हुए नजर आएंगे। तो एक कैजुअलिटी यहाँ पे जरूर टीम डील कर चुकी है डार्क गेमिंग की। एक क्लियर यहाँ पे माफिया डाउन, सामने डेडमैन यहाँ पे स्पॉट किए जाएंगे, डाउन किए जाएंगे, फिरंगी भी यहाँ पे कन्फर्म किए जाएंगे शेडो की तरफ से। तो तीसरा फिनिश पॉइंट यहाँ पे शेडो लेके जाएंगे, तो रिवाइवल यहाँ से अभी के लिए देखने को जरूर मिलेगा। आज की बात करें तो बिल्कुल ये लोग भी इसी स्पॉट की तरफ एंट्री जरूर लेते हुए नजर। सामने के टॉप की बात करें तो जस्ट वेनम, उमर एक्स, हनान एक्स, फोर मैन बॉड एक्स की टीम भी एक क्लोजिंग यहाँ पे जरूर करती हुई नजर आ रही। जी अगर रूमी की बात करें तो रूमी भी यहाँ पे बिल्कुल प्ले जोन के अंदर जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सर्कल हमारा कट चुका है। दूसरा टीम सभी के लिए प्ले जोन के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। सामने अगर डीजी की बात करें, वहाँ पे जस्ट वेनम की तरफ से पिक किया जाएगा, जस्ट वेनम यहाँ पे डीजी प्रोफेसर पर एक नॉकआउट निकालते हुए सामने प्रोफेसर को यहाँ पे फिनिश किया जाएगा। तो फिनिश पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा टीम की तरफ से। डार्क गेमिंग अब यहाँ पे 2 मैन स्क्वाड के साथ देखने को मिलेगी। डीजी माफिया बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे वेनम को स्क्वाड करेंगे, लेकिन ट्रेड में यहाँ पे डैमेज भी जरूर डील करते हुए नजर आएंगे। टाइमली यहाँ पे बैंडेज की तरफ स्विच किया जाएगा, बैंडेज यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं इनकी तरफ से। फेड का देखना पड़ेगा बिल्कुल इस स्पॉट से आगे निकल के जाते हैं। मुनजर बिल्कुल यहाँ पे सांप बने हुए नजर आएंगे। सांप की अगर हम बात करें तो वहां पे रोमी की तरफ से डीजी शेडो पे भी एक नॉकआउट निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे डीजी के एक पेयर अकेले बचे हुए माफिया, माफिया बिल्कुल अब रिवाइवल के लिए जाते हुए नजर आ सकते हैं। साथ में रोमी की बात करें बिल्कुल ओपन से निकल के जा रहे हैं और टॉप की तरफ यहाँ पे फोरमैन बॉडेक्स की टीम भी रहने वाली, तो यहाँ पे दिक्कतें उनकी तरफ से जरूर दी जा सकती है। आज भी बिल्कुल टॉप की तरफ से यहाँ पे आ चुकी है, तो फेड का देखना पड़ेगा। जस्ट वेनम बिल्कुल उनके सामने से निकल के जाएंगे, यहां पे फेड अभी के लिए शॉट देंगे, फेड यहां पे डैमेज जरूर हील करेंगे, फेड यहां पे नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे एक नॉकआउट। तो बिल्कुल सांप ही सांप यहां पे हमें देखने को मिलते हुए। उमर एक्स वहां पे माफिया रोमी को कंफर्म करेंगे, तो अब मुनजर का देखना पड़ेगा। मुनजर भी बिल्कुल यहां पे डाउन की तरफ सांप बने हुए जरूर नजर आ रहे। विंटॉक्स की अगर हम बात करें, विंटॉक्स टॉप की तरफ यहां पे आ चुके हैं, बिल्कुल टीम्स का यहां पे एक गेट कीप इनकी तरफ से जरूर देखने को मिलता है। सामने अगर फेड की बात करें, नॉकआउट निकाला गया था जस्ट वेनम पे, लेकिन उमर यहां पे रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल टीपीपी का यूज यहाँ पे जरूर किया जा रहा, हल्का सा फॉल बैक जरूर इस स्पॉट से करने की कोशिश रहेगी, लेकिन अब देखना पड़ेगा। फेड यहाँ पे एक नेड जरूर करेंगे सामने के, नेड के साथ यहाँ पे बिल्कुल एक बार फिर से कवर में जाएंगे, हल्का सा बिल्कुल डैमेज दिया जाएगा। सामने अगर उमर की बात करें, उमर पे यहाँ पे शॉट देंगे, उमर पे नॉकआउट निकाला जाएगा फेड की तरफ से, लेकिन ट्रेड में यहाँ पे वेनम की तरफ से उमर को भी डाउन किया जाएगा। डाउन की तरफ यहाँ पे हिनान की क्लोजअप हमें देखने को मिलता हुआ। मुनजर की अगर हम बात करें, बिल्कुल सर्कल के बाहर यहाँ पे प्रोनिन जरूर रहने वाले। सामने बिल्कुल नेड यहाँ पे विंटॉक जरूर करेंगे, हनान बिल्कुल
सामने बिल्कुल। अब यहाँ पे हिनान को भी निकलना पड़ेगा, विंटॉक्स इस बात को जानते हैं, देखना पड़ेगा विंटॉक्स की तरफ से जहाँ बिल्कुल हनान पे यहाँ पे शॉट दिए जा सकते थे। यहाँ पे टाइमली विंटॉक्स प्रोनिन करेंगे, डैमेज यहाँ पे लेंगे, बूस्ट अप यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अब देखना पड़ेगा हनान यहाँ पे क्लोज इन करेंगे। हनान बिल्कुल टॉट एज पे यहाँ पे प्लीज उनके साथ डाउन होते हुए नजर आएंगे। जस्ट फैन यहाँ पे निकल चुके हैं, फेड पे अभी तक कोई रिवाइवल देखने को नहीं मिला, मुनजिर बिल्कुल यहाँ पे अभी भी सांप बने हुए हमें नजर आ रहे। तो सांप को बिल्कुल अब उठना पड़ेगा, रिवाइवल के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। फेड वहाँ पे बिल्कुल ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे, अभी के लिए फेड भी यहाँ पे प्लीज उनके बाहर यहाँ पे जरूर जाते हुए नजर। उमर एक्स वहाँ पे फेड को फिनिश करेंगे, मुनजिर बिल्कुल यहाँ से इस स्पॉट से उठने का नाम नहीं ले रहे। जहाँ बिल्कुल एक बार आरजी मुनाजिर ओपी इन द चैट जरूर हो जाए, अब यहाँ से निकलेंगे। आई गेस यहाँ पे बिल्कुल सर्कल के सेंटर, ब्लू जोन के सेंटर की तरफ ये यहाँ पे हमें जाते हुए नजर आ सकते हैं। जहाँ बिल्कुल ब्लू जोन के अंदर यहाँ पे जाने की इनकी कोशिश रहेगी, वहाँ पे हनान भी प्लेज उनके साथ पूरा कंफर्म होते, बूस्ट अप करने की कोशिश। विंटॉक्स की वो बात करें तो विंटॉक्स आज आई गेस यहाँ पे हील बैटल आरजी लाइट जो 12 साल के लिए हमने बैन की थी एक बार फिर से जुड़ी हुई है, तो प्रॉब्ली ये कि हील बैटल हमें देखने को मिल सकती है विथ 3 फर्स्ट एड किट्स विंटॉक्स के पास। मुनजिर की बात करें, एक फर्स्ट एड किट स्लाइटली यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से निकल के जाएंगे, टॉप की तरफ यहाँ पे विंटॉक्स भी जुड़ेंगे। डाउन की तरफ अगर हम बात करें तो जस्ट पैनल उमर एक्स यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू जोन अभी के लिए जरूर जा पहुँचे। वहाँ पे लॉ की बात करें, लूसीफर यहाँ पे माफ कीजिएगा वाइपर यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे, सामने बिल्कुल कंफर्म किया जाएगा माफिया को अकेले। अब यहाँ पे शेडो अपनी टीम से बिल्कुल सामने ग्रीन रूपर्स के आदि काला यहाँ पे निकल के जाएंगे, काला यहाँ पे डैमेज दिए करेंगे। नासिर भी यहाँ पे हल्के से शॉर्ट्स इन पे भी दिए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए कवर में ये जरूर यहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल फुल मैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे स्पार्टन्स की टीम रहने वाली, एक फिनिश पॉइंट इनके पास। विंटॉक्स की तरफ चलते हैं तो अभी भी यहाँ पे टीम ब्लूज उनसे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ बिल्कुल, जस्ट वेनम ओमरिक्स बिल्कुल ये लोग ब्लू जोन के बाहर जा पहुंचे। क्या उसकी बात करें, फुलमैन स्क्वाड के साथ बिल्कुल वाटर साइड की तरफ से एक रोटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। न्यूट्रल वहाँ पे केजी की टीम से रहेंगे, एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे कोबरा का जरूर रहने वाला। साथ में सीम सीएस की बात करें, सिविल स्पोर्ट्स से फुलमैन स्क्वाड के साथ अभी भी इस मैच में ग्रिम रीपर्स फुलमैन स्क्वाड के साथ यहाँ पे जरूर रहने वाली। जहाँ बिल्कुल केएस यासिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे सामने, यासिर की अगर हम बात करें, यासिर यहाँ पे शॉट देंगे लेकिन यासिर को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। मुदसर यहाँ पे यासिर को पूरा कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे अगर नदीम की बात करें तो नदीम भी यहाँ पे डाउन कर दिए जाएंगे। वाटर साइड की साकिब भी यहाँ पे डाउन, रिफा अकेले बचे हुए, काला पे एक नॉकआउट निकाला, रिफा अभी के लिए दो प्लेस पे यहाँ पे शॉट देंगे लेकिन मुदसर की तरफ से यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा। तो एक रोटेशन यहाँ पे कियास की पूरी फेल होती हुई। साथ में यहाँ पे अगर टीम ग्रिम रीपर्स की बात करें, अभी के लिए डीडीए मर्डर की तरफ से यहाँ पे एक नॉकआउट जरूर निकाला जाएगा सामने। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, दो नॉकआउट टीम जरूर डील कर चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पे ब्लड एक्स वहाँ पे टॉप की तरफ एक नॉकआउट निकालेंगे। हेजिस पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा, यहाँ पे कंफर्म करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल हेजिस को यहाँ पे इनकी तरफ से पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। ब्लड एक्स की बात करें, बिल्कुल डाउन यहाँ पे अलाविन किसी ओल्ड साइड यहाँ पे झुके हुए नजर आएंगे लेकिन यहाँ पे ब्लड एक्स की तरफ से इन्हें भी डाउन किया जाएगा। तो दो नॉकआउट यहाँ पे, दो कैजुअलिटीज यहाँ पे टीम जरूर डील करेगी। न्यूट्रल साथ में कोबरा टू मैन स्क्वाड के साथ अभी भी टीम यहाँ पे रहने वाली। सिविल स्पोर्ट्स 6 फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं, साथ में अगर ग्रिम रीपर्स की बात करें, 3 फिनिश पॉइंट यहाँ पे ग्रिम रीपर्स के बीच जरूर रहने वाले। जस्ट मैंने बिल्कुल टू मैन स्क्वाड के साथ विंटॉक्स यहाँ पे बिल्कुल निकल चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे शाम बने हुए नजर आएंगे। मुनजर बिल्कुल पानी के अंदर यहाँ पे तैरते तैरते अब यहाँ से निकल के जरूर जाना चाहेंगे। सर्कल कट चुका है, तीसरा डैमेज यहाँ पे बढ़ता हुआ, तो आज भी मुनजर अब यहाँ पे बिल्कुल बैंडेज के सहारे जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे वाइपर की बात करें, 9 स्काला पे भी एक नॉकआउट जरूर निकाल, आउट ऑफ सर्कल यहाँ पे 9 स्काला रहने वाले। ऊपर में यहाँ पे मुदसर निकल के जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे नासिर की बात करें, नासिर भी यहाँ पे सर्कल के बाहर रहने वाले। आरडीएक्स अभी के लिए बिल्कुल ब्लू जोन के बाहर जरूर आ पहुँचें। जी हाँ बिल्कुल, सर्कल कट चुका है हमारा चौथा। नासिर यहाँ पे मुदसर के साथ ज़रूर देखने को मिलते हुए रिवाइवल अब देखना पड़ेगा। काला जो बिल्कुल आउट ऑफ सर्कल यहाँ पे ब्लीड आउट होते हुए जरूर नजर आ रहे, बिल्कुल प्लेज उनके साथ यहाँ पे कंफर्म होंगे। 7 टीम सभी भी लाइव, टोटल 18 प्लेयर इस मैच में अभी के लिए रहेंगे। सिविल स्पोर्ट्स की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे प्लेज उनकी अगर हम बात करते हैं, साकिब वहाँ पे जस्ट वेनम को कन्फर्म करेंगे, साकिब की तरफ से यहाँ पे उमर भी कन्फर्म कर दिए जाएंगे। तो दोनों प्लेयर जो फोर मैन बॉड एक्स के बचे हुए थे, दोनों यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए।
जी बिल्कुल, डीजी की बात करें तो अकेले यहाँ पे शेडो बचे हुए, ये ओपन से यहाँ पे ज़रूर निकल के जाएंगे। प्लीज उनकी अगर हम बात करें तो एक बार रूट की तरफ हम चलते हैं, तो कुछ अलग ही रूट हमें यहाँ पे शो होता हुआ। आई गेस यहाँ पे सर्कल की सर्कल, जी हाँ बिल्कुल, सर्कल का कुछ सीन यहाँ पे ज़रूर रहने वाला। सामने अगर टीम्स की बात करें तो 6 टीम्स अभी भी इस मैच में, डीजी शेडो अकेले अपनी टीम से, स्पार्टन जहाँ पे फुल मैन स्क्वाड के साथ, लाइट प्रो मैक्स यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ रहेगी। साथ में न्यूट्रल की बात करें तो कोबरा न्यूट्रल यहाँ पे टू मैन स्क्वाड के साथ, सिविल स्पोर्ट फुल मैन स्क्वाड के साथ, ग्रिम रीपर्स यहाँ पे फुल मैन, तो यहाँ बिल्कुल टॉक्सिक की अगर हम बात करें वहाँ पे वाइपर को डाउन किया जाएगा। टॉप की तरफ यहाँ पे मुदसर एक नॉकआउट निकालेंगे, लेकिन रिटेलिएशन में स्काई की तरफ से मुदसर भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, ना सिर्फ वहाँ पे स्काई को डाउन करते हुए। टॉक्सिक की बात करें यहाँ पे आरडीएक्स भी डाउन किए जाएंगे, रिवाइवल यहाँ पे टाइमली मिलता है, लेकिन टॉप की तरफ जो सिविल स्पोर्ट्स ने एरिया होल्ड कर रखा है वहाँ से बिल्कुल टीम्स को दिक्कतें देती हुई, मर्डर यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। तो अगर हम स्पार्टन्स की बात करें तो स्पार्टन्स ने भी बिल्कुल यहाँ पे दो नॉकआउट डील कर लिए हैं, तो इनसेन अकेले बचे हुए, इनसेन बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे सीएस सिविल पे यहाँ पे स्टार्ट देते हुए लगे। टॉप अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे अभी के लिए मर्डर को भी पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, स्काई का देखना पड़ेगा, स्काई यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म किए जाएंगे फोरी लॉस्ट पाई की तरफ से। अब यहाँ पे स्पार्टन्स के अकेले ला इनसेन बचे हुए, साथ में अगर न्यूट्रल की बात करें कोबरा टू मैन स्क्वाड के साथ, सिविल स्पोर्ट्स बिल्कुल फुल मैन स्क्वाड के साथ, अभी भी इस मैच में 11 फिनिश पॉइंट अभी तक टीम निकाल चुकी है। साथ में अगर नासिर की बात करें मुदसर के साथ, ये लोग बिल्कुल सर्कल के एज की तरफ आ पहुंचे। अब देखना पड़ेगा सामने इनके डाउन की तरफ ला इनसेन भी जरूर हमें देखने को मिल रहे। इनसेन की बात करें तो ये भी बिल्कुल एज पे यहाँ पर रहेंगे, हल्का सा डैमेज वहाँ पे विंटॉक्स से जरूर डील करते हुए नजर आएंगे। तो टॉक्सी की बात करें बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे सिविल स्पोर्ट्स से मुनाजिर बिल्कुल ऊपर नीचे यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्राउच करके चलने की पूरी कोशिश की रहेगी, लेकिन सामने नासिर और मुदसर भी वहाँ पे रहने वाले, तो इजीली वहाँ पे वो इन्हें फिनिश करेंगे बिल्कुल नो डर विदाउट एनी फियर। यहाँ पे ओपन में लूट इनकी तरफ से की जाएगी, तो प्रोमैक्स के एक फिर अभी के लिए यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल ओपन यहाँ पे सामने तीन चार टीम्स से टीम्स के बीच में जाके भाई यहाँ पे लूट करने के लिए जा रहे थे, कन्फर्म कर दिए जाएंगे। साथ में अगर विंटॉक्स की बात करें तो विंटॉक्स अभी भी यहाँ पे K9 के साथ बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे शॉट देते हुए जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे टाइमली क्लोनिंग जरूर करना पड़ेगा। लाइन सेन की वही बात करें तो इनसेन एक फिनिश पॉइंट के साथ अभी के लिए बिल्कुल प्लेज उनके अंदर जरूर जा पहुंचे। अच्छा बिल्कुल, ग्रिम रीपर्स अपना स्पॉट यहाँ पे होल्ड किए हुए, सर्कल के बिल्कुल बाहर, सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। सिविल स्पोर्ट्स बिल्कुल यहाँ पे जो सर्कल की हम बात करें तो सारे सर्कल हमें सिविल स्पोर्ट्स पे ही देखने को मिले, अभी के लिए बिल्कुल सर्कल के अंदर रहेंगे। टॉप का जो एरिया यहाँ पे हाई ग्राउंड एडवांटेज यहाँ पे जरूर लेती हुई टीम नजर आ रही। न्यूट्रल कोबरा की ही बात करें वहाँ पे विंटॉक्स नासिर की तरफ से कन्फर्म कर दिए जाएंगे, तो ग्रिम रीपर्स चौथा फिनिश पॉइंट यहाँ पे जरूर सिक्योर करेगी। अभी के लिए ग्रिम रीपर्स को भी ओपन से यहाँ पे निकल के जाना पड़ेगा, मुदसर यहाँ पे निकल चुके, लूट भी यहाँ पे करने पड़ेगी। टॉप की तरफ यहाँ पे लॉस्ट बॉय बिल्कुल यहाँ पे नासिर पे शॉट देंगे, डैमेज यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे लॉस्ट बॉय का कोई भी शॉट हमें कनेक्ट होते हुए नजर नहीं आया। न्यूट्रल की बात करें सीएस टॉक्सिक पे एक नॉकआउट निकाला जाएगा, एक नॉकआउट यहाँ पे टीम जरूर डील करेगी। कोबरा का देखना पड़ेगा, बिल्कुल टॉक्सिक को पूरा कन्फर्म कर दिया जाएगा, फिनिश पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे जरूर सिक्योर किया जाएगा। बिल्कुल अभी के लिए टॉप की तरफ ब्लडएक्स की तरफ से न्यूट्रल यहाँ पे जरूर डाउन किए जाएंगे। नॉट साकिब का देखना पड़ेगा, UMP 45 के साथ बिल्कुल टॉप की तरफ यहाँ पे क्लोज इन किए जा रहे, और कोबरा बिल्कुल यहाँ पे इनके सामने रहने वाले, प्रोन इन करके कोबरा बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिक्कतें दे सकता। अभी के लिए न्यूट्रल को फिनिश करने की पूरी कोशिश की, नहीं यहाँ पे जरूर जाता हुआ। कोबरा की अगर हम बात करें, कोबरा बिल्कुल टॉप की तरफ से यहाँ पे स्पॉटेड जरूर रहने वाले, यहाँ पे कोबरा बूस्ट अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, अब देखना पड़ेगा। जब बिल्कुल न्यूट्रल कन्फर्म कर दिए जाएंगे, साथ में लॉस्ट बाय की बात करें यहाँ पे कोबरा को भी इनकी तरफ से पूरा कन्फर्म कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे फाइनल चार टीम से सिविल स्पोर्ट्स थ्री मैन स्क्वाड के साथ 14 फिनिश पॉइंट, ला इनसेन अकेले अपनी टीम से बचे हुए, साथ में डीजी की बात करें तो शेडो यहाँ पे अकेले अपनी टीम से रहने वाले। सामने टॉप की तरफ इनसेन को आई गेस इनकी तरफ से बिल्कुल स्पॉट कर लिया जा चुका है। सर्कल के बाहर रहने वाले 6 सर्कल कट चुके हैं। वहाँ पे इनसेन की बात करें, ब्लडएक्स की तरफ से यहाँ पे नासिर डाउन किए जाएंगे, मुदसर अकेले अपनी टीम से बचे हुए, मुदसर अभी के लिए इनसेन पे अपनी बिल्कुल आंखें जमाए बिल्कुल रिवाइवल के लिए यहाँ पे जाएंगे। सीएस की वहीं बात करें तो सीएस बिल्कुल यहाँ पे डाउन की तरफ एक जंप यहाँ पे किया जाएगा, लॉस्ट बॉय का यहाँ पे साथ में ही फर्स्ट एड किट यूज की जाएगी। जी बिल्कुल, ब्लडएक्स की बात करें वहाँ पे नासिर को कंफर्म किया जाएगा, साथ में ला इनसेन की तरफ से मुदसर यहाँ पे पूरा कंफर्म कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रिम रीपर्स की टीम भी फिनिश होके जाती हुई बिल्कुल सर्कल के बाहर, वहाँ पे डीजी शेडो लॉस्ट बॉय की तरफ से डाउन किए जाएंगे। इनसेन की बात करें, इनसेन यहाँ पे अकेले बचे हुए, बिल्कुल गाड़ी यहाँ पे रिवर्स जरूर लेके जाएंगे, ये आप देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे सेफ स्पॉट की तरफ जा पाते हैं या नहीं। क्या बिल्कुल अभी के लिए शॉट्स गाड़ी पे भरपूर दिए जा रहे, बिल्कुल आग यहाँ पे निकलती है, फुल यहाँ पे रिवर्स मोड में आ चुके हैं। यहाँ पे अभी
हल्का सा पीछे की तरफ जरूर जाएंगे लेकिन सामने की तरफ से पिक किया जाएगा, कंफर्म यहाँ पे किया जाएगा। तो चिकन डिनर यहाँ पे सिविल ई स्पोर्ट्स लेके जाएगी। सिविल की अगर हम बात करें तो पूरी टीम यहाँ पे 6-5 हो गए, 11-11 और 3 हो गए, 14 और 3 हो गए, 17 फिनिश पॉइंट के साथ यहाँ पे चिकन लेके जाती हुई। सेकंड स्पॉट यहाँ पे स्पार्टन्स के पास रहेगा विथ 5 फिनिश पॉइंट। थर्ड स्पॉट पे डीजी की टीम यहाँ पर रहेगी, डीजी की तरफ से 6 फिनिश पॉइंट हमें जरूर इस मैच में देखने को मिले। तो अभी के लिए मैच हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। स्ट्रीम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो एक बार स्टार ऑफ द मैच की बात करें, गोइंग ऑल आउट सी एस ब्लड एक साथ में बेस्ट कैंपेनियन उमर, 3 रिवाइवल यहाँ पे इनके देखने। फिनिशर की बात करें, नॉट साकिब यहाँ पे फिनिशर का रोल देख के जाते हुए बिल्कुल। स्ट्रीम मैच की अगर हम बात करें तो मैच नंबर 2 अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह कल एक बार फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक।